नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोट के साथ। आई हैव नेवर लेट माई स्कूलिंग इंटरफेयर विद माई एजुकेशन। तो मार्क ट्वेन के द्वारा ये बात कही गई है। तो ये भी अमेरिकन राइटर थे, तो इन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी अपनी ज़िंदगी में, लेक्चरर रहे हैं ये। और ये बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं कि अपनी स्कूलिंग को कभी भी इन्होंने इंटरफेयर नहीं करने दिया इनकी एजुकेशन। तो देखो, एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है अगर इसको अच्छे से समझे। ज़्यादातर अगर एजुकेशन की हम बात करें ना, तो बच्चे जो पढ़ते हैं, स्कूलिंग करते हैं, तो ज़्यादातर उनको रट्टा लगाया जाता है। मतलब चाहे कोई भी बोर्ड हो, ओके, तो यहाँ पर ज़्यादातर उनको रट्टा लगा लगा कर ना उनको पढ़ाया जाता है। थ्योरेटिकल बेस जो है उसका स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जाती है, जिसके चलते ऐसा मतलब डेवलपमेंट हो जाती है कि बच्चे का दिमाग ट्रेंड हो जाता है कि रट्टा कैसे मारना है, फिर कैसे जो है ना ऑन द स्पॉट आंसर देना है, क्या आंसर देना है। तो अभी एजुकेशन में होता है कि जो आप सीख रहे हो ना, तो आप अपना जो एनालिसिस है, अपना जो दिमाग है, उसको लगाकर आप क्वेश्चन का आंसर करो। तो इसलिए ज्यादातर यहाँ पर देखो क्वेश्चंस का फॉर्मेट भी बदला गया है स्कूल्स में। तो इसलिए बदला गया है कि एनालिटिकल जो क्वेश्चंस उनका पोर्शन बढ़ाया जाए, कि बच्चा खुद से अपना एनालिसिस करे, जो भी क्वेश्चन उसके सामने रखा जब क्लास लगी थी उस समय ध्यान से सुने। इसके अलावा अपनी एजुकेशन के ऊपर खुद फोकस करे, ओके, खुद से ये इंटरेस्ट ले कि मैंने क्या पढ़ाई करनी है, उसके ऊपर फोकस करे, और जो क्वेश्चन उसके सामने आते हैं उसका एनालिसिस खुद से करके आंसर करे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन समझ ही नहीं आता। जब क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, तो बच्चों को बेशक पता होता है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन जब क्वेश्चन ही समझ नहीं आया तो फिर आंसर कैसे करेंगे। तो ये सिचुएशन को सही करना है, ओके। तो यहाँ पर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। देखो, ट्रेंड माइंड देखो ना, एक मतलब उसकी लिमिटेड दायरा है, लेकिन एजुकेटेड माइंड का दायरा नहीं है। एजुकेटेड माइंड यहाँ पर काफी आगे जा सकता है। तो एजुकेटेड मतलब कि आप समझो और चीज को बारीकी से, बारीकी जो तथ्य है उनको मतलब उनका एनालिसिस करो, फिर जो है ना आगे बढ़ो। तो इस तरीके से हम कह सके कि आप जो है ना वेल एजुकेटेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सैटरडे है, तो ये आज का इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर, ये फ्रंट पेज है। तो अभी यहाँ पर देखो COVID-19 के चलते वही जो जो यहाँ पर डोजेस है, तो उनकी यहाँ पर डिमांड की जा रही है। जैसे अभी 7 राज्य ऐसे हैं वो और यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि हमें कोविड के जो है वैक्सीन के डोजेस भेजिए, क्योंकि उनके उन्होंने यहाँ पर सेकेंड डोज देनी है मई में लोगों को। और इसके अलावा ये निर्मला सीतारमण का यहाँ पर बयान आया है कि यहाँ पर जो इम्पैक्ट है सेकेंड वेव का इकोनॉमी के ऊपर, मतलब इतना नहीं होगा, ओके। तो ये बात इन्होंने सीधे सीधे कही है। इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, इनके सेल में भी यहाँ पर 70 से 80% यहाँ जो है ना यहाँ पर फॉल देखने को मिल रहा है, ओके। तो मई में ये और बढ़ सकता है, ओके। तो ये यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है भारत की इकोनॉमी की। और इसके अलावा अभी ये 5 एडिटोरियल्स हैं इस एडिटोरियल पेज में, तो एक एक करके सभी डिस्कस करेंगे। पहले एडिटोरियल में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बारे में बात की गई है फॉर मीडिया फ्रीडम, ओके। तो अभी क्या मामला क्या है डिस्कस करेंगे, पूरा इलेक्शन कमीशन के बारे में यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर बातें की गई हैं। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जो सेबी है, ओके, तो मतलब ये ना कुछ सोशली यहाँ पर सोशल स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ पर, उसके चलते कुछ ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव बन रहा है। तो अभी ऑथर वही बात कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस सही नहीं है, तो क्या मसला क्या है डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर ये वाला एडिटोरियल डिस्कस होगा, बेटर बैंक फॉर द रूपी। तो यहाँ पर ना रूपी जो हमारा करेंसी है ना, तो उसकी क्या मतलब वैल्यू है पूरे वर्ल्ड वाइड, किस तरीके से उसको देखा जाता है, हमारे जो आस पड़ोस की कंट्रीज है उनकी करेंसी को कैसे यहाँ पर जो है उनको कैसे देखा जाता है, और क्या हमारी करेंसी में क्या क्या चीजें होती हैं, सब चीजों के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन की गई है। तो ये भी काफी अच्छा एडिटोरियल है, उसको भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इसको। और फिर बाद में देखेंगे ये वाला एडिटोरियल नंबर 4, यहाँ पर रेमडेसिविर, तो ये यहाँ पर एक ड्रग है जो कोविड की थेरेपी के लिए, कोविड के इलाज के लिए काम आता है। तो अभी इसकी कालाबाजारी हो रही है, तो उसके ऊपर फोकस यहाँ पर आर्टिकल ने किया कि किस तरीके से मतलब इन सब चीजों को सही करना है हमने। और लास्ट में एडिटोरियल नंबर 5 है यहाँ पर, ए ब्रिज ओवर ट्रबल्ड वाटर्स। तो यहाँ पर ना इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप में के बारे में बात कर रही कि दोनों तरफ से जो टास्क फोर्स है वो बनाई हुई है कि किस तरीके से अभी इंडिया की मदद करनी है, तो यूएस ने मदद पहुंचाई है, फर्दर कैसे यहाँ पर जो है टाइप करके चलना, तो अभी उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले एडिटोरियल के साथ। तो एक बात और यहाँ पर मैं रिपीट कर दूं, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ओके, ये पूरे के पूरे न्यूज़पेपर में, इसके अलावा जो भी यहाँ पर करंट अफेयर्स की न्यूज यहाँ पर आती है, ओके, तो
वो उसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं, तो वहां पर से जो इम्पोर्टेंट न्यूज निकलेगी उस सभी का यहाँ पर ना एक पीडीएफ आपको मिलेगा। ओके, शाम को डेली वो मिल जाए करेगा आपको, तो उन्हीं पीडीएफ में से ही ना आपको अलग अलग लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। ओके, हो सकती है 5, 6, 7, कुछ जितना यहाँ पर अमाउंट होगा करंट अफेयर न्यूज का, उस हिसाब से यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स आएंगे अलग अलग। ओके, तो मतलब जो ना फॉर्मेट बदला है यहाँ पर, एडिटोरियल डिस्कशन यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे, और बाकी का जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज है उसको अलग वीडियो फॉर्मेट में आपके सामने पेश किया जाएगा। तो मतलब इस तरीके से हम जो ना अप्रोच लगाकर चल रहे हैं। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हम न्यूज़पेपर कवर नहीं कर रहे हैं, न्यूज़पेपर सारा ही कवर होगा जो इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन अलग तरीके से। ओके, तो उसकी अलग वीडियो लेक्चर्स आएंगे। तो चलिए एडिटोरियल नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम डिफेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम, राइट टू कवर, कोर प्रोसीडिंग इज फंडामेंटल। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें कि इन्होंने बिल्कुल सही काम किया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो यहाँ पर गुस्से में याचिका दायर की थी कि मद्रास हाई कोर्ट का जो कमेंट है इलेक्शन कमीशन के ऊपर उसको हटाया जाए। ओके, तो अभी उसी के चलते यहाँ पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो डिसमिसल कर दिया है ना यहाँ पर इस प्ले को, इस याचिका को ही खारिज कर दिया गया। तो अभी बिल्कुल सही किया है। तो अभी सिचुएशन क्या थी यहाँ पर, मद्रास हाई कोर्ट का पिछले हफ्ते ही कमेंट आया था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, तो मतलब कि उसने सही तरीके से काम नहीं किया। मतलब जितने अगर COVID-19 के चलते अगर मतलब लोगों की डेथ होती ना, तो उसका यहाँ पर चार्ज इसी को दिया गया इलेक्शन कमीशन को कि मतलब इसी मतलब एक तरीके से इसको मर्डरर बोला गया है इलेक्शन कमीशन को, कि मतलब कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है ना, तो उनको ये अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पाए इलेक्शन के समय। तो अभी ये पूरी स्टेटमेंट पढ़िए आप। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये टाइम्स नाउ का यहाँ पर ये न्यूज आउटलेट है। तो यहाँ पर बात करें इलेक्शन कमीशन अप्रोचेस, सुप्रीम कोर्ट चैलेंजेस, मद्रास हाई कोर्ट मदर चार्ज। तो यहाँ पर ये बात की गई है, तो इसको डिटेल में पढ़ें। तो क्या बात कही गई थी मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा, तो इन्होंने बोला था कि द जो पोल पैनल है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, शुड बी पुट अप ऑन मर्डर चार्जेस फॉर बीइंग द मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन। तो ये मतलब काफी सख्त लैंग्वेज का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा, जिसको मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन कहा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो इसलिए यहाँ पर एक गुस्से में है, जिसके चलते इन्होंने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। ओके, तो अभी मर्डर चार्जेस इनके ऊपर लगाने की बात कही गई थी मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। तो अभी आगे बढ़े, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने बड़ी तरीके से जो मद्रास हाई कोर्ट उसकी खिंचाई भी की है कि मतलब उन्होंने यहाँ पर जो भाषा का इस्तेमाल जिस तरीके से करना था उस तरीके से नहीं किया। ओके, तो मतलब जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, ओके, तो मतलब उसके रिगार्डिंग जो है उनकी खिंचाई भी की है मद्रास हाई कोर्ट की। तो अभी वही बात कर रहे हैं कि जो सबसे सिग्निफिकेंट जो पार्ट है ना सुप्रीम कोर्ट रूलिंग का, वो ये है कि उन्होंने अपना स्टैंड स्पष्ट रखा हुआ है कि यहाँ पर जो मीडिया का राइट है ना, कि मतलब कोर्ट प्रोसीडिंग्स को वो रिपोर्ट करे, वहां पर रिपोर्टिंग करे, तो वो नहीं छीना जाएगा। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल यहाँ पर केसेस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर सेक्सुअल अब्यूज के केसेस हो, तो वहां पर जो सेंसिटिव मैटर्स हो, तो वहां पर हो सकता है कि मीडिया को रोका जाए कि उनकी कवरेज मत करो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, लेकिन इसके अलावा बाकी के जितने भी केसेस हो, तो वहां पर उनको रोका नहीं जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर यही बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कही गई थी कि मीडिया के ऊपर यहाँ पर रोक लगाई जाए कि वो सुप्रीम जो यहाँ पर कोर्ट प्रोसीडिंग, चाहे वो मद्रास हाई कोर्ट की हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हो, तो मान लो वो प्रोसीडिंग्स में वो हिस्सा ना ले मीडिया वाले। और अगर बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो ये एक स्टेटरी बॉडी है, ये भारत की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि आर्टिकल 324 के तहत बनाई गई है। काफी सारी पावर्स और फंक्शंस इसको दिए गए हैं। तो यहाँ पर कोई शक नहीं है कि ये कानून से ऊपर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो अभी का जो कानून है, तो यहाँ पर ये इंक्लूड करता है कि मीडिया का फ्रीडम होना चाहिए। जो हमारा भारतीय संविधान है ये कहता है कि मीडिया की आजादी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कमीशन की जो डिमांड है ना, कि मतलब कि जो प्रेस है, मीडिया है, जो उसको नहीं बोलने देना है ऑन द जुडिशियल रिमार्क, तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है। ओके, तो यहाँ पर देखो दूसरी ओर हम जो है ना, यहाँ पर हमदर्दी भी जता सकते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ। तो वो ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसी बातें क्यों कर रहा है, कि अभी ज्यादातर यहाँ पर जो सिचुएशन फेस करने को मिल रही है ना इलेक्शन कमीशन को, तो वो भी मतलब इतनी सही नहीं है। तो अगर हम कहें कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल कर ले, और इसके अलावा जो लोग हैं जो रैलीज में आते हैं उनको कंट्रोल कर ले, और मतलब किसी हद तक कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है ऑथर की तरफ से। इसके अलावा बात करें जब पार्टीज, ओके, ज्यादातर यहाँ पर जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज ना, एक्चुअल मायने में वो ही दोषी है, जो मतलब कि बड़े पैमाने पर मास गैदरिंग्स कर लेती हैं, भीड़ इकट्ठा कर लेती हैं,
और यहाँ पर ना ही कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता है, ना ही मास्क वगैरह पहने जाते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स तो खुद खुद जो है मास्क नहीं पहनते जब वो रैली कंडक्ट कर रहे होते हैं। और फर्दर जो है अगर लोगों की बात करें तो वो तो लोग ही है ना, तो यहाँ पर वो कोई गाय भैंस तो है नहीं, तो यहाँ पर उनको यहाँ पर ना दे शुड हैव द एजेंसी टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एंड अडॉप्ट प्रूडेंट मेजर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। ओके, तो मतलब कि कोई एजेंसी उनके सामने होनी चाहिए कि जिसके चलते वो अपने बारे में सोचे और यहाँ पर जो मीजर्स हैं जो कि उनकी सुरक्षा बढ़ा सकते हैं तो उनको यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर कोई यहाँ पर ये हैरान होने वाली बात नहीं है कि कमीशन अभी ना अभी ऐसा फील कर रहा है कि मतलब कि जैसे मद्रास हाई कोर्ट ने उसके ऊपर रूलिंग दे दी है कि इररिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है, तो इसके चलते मतलब ऐसा फील कर रहा है कि मेरे साथ ना यहाँ पर अनजस्टिस हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। ओके, तो मतलब कि मद्रास हाई कोर्ट ने अपना मतलब कि रोष निकाला है मुझे यहाँ पर क्रिटिसाइज करके, तो उसके चलते यहाँ पर ऐसी बातें की जा रही। लेकिन यहाँ पर ऑथर बात कर रहे कि चलो बात कुछ भी हो, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीडिया को यहाँ पर ना बोलने देने की यहाँ पर डिमांड कर रहा है तो वो भी यहाँ पर सही नहीं है, तो वो भी मतलब सही तरीके से जस्टिफाई करने वाली बात नहीं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जा रही है। और आगे यहाँ पर बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जो प्रतिक्रिया है, जो अभी कथन है, वो यहाँ पर मीडिया के राइट के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को कवर करता है, तो ये कोई कंडीशनल नहीं है, तो यहाँ पर लिमिटेड नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मीडिया वाले आ सकते हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, तो यहाँ पर ओपन एसेस जो ना टू द कोर्ट्स यहाँ पर जो है इसकी बात की जा रही है। तो इस तरीके से हमारा जो संवैधानिक आजादी है ना, तो यहाँ पर ये वही चीज दर्शा रहा है। ओके, तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो यहाँ पर ये कवर करता है, फ्रीडम टू कवर कोर्ट प्रोसीडिंग्स टू, तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है वही है कि डज द प्रैक्टिस ऑफ कोरेलिंग सर्टेन कोर्ट प्रोसीडिंग इन टू सीड एनवेलप्स वायलेट फ्री स्पीच, कि मतलब कि अगर ऐसी कोर्ट प्रोसीडिंग जो होती है जिसमें मीडिया कर्मी भी बैठे होते हैं उनको पता चल जाता है कि क्या बात हुई है इस प्रोसीडिंग्स में और किस मुद्दे के ऊपर चर्चा की, अगर उसको यहाँ पर किसी बंद लिफाफे में प्रोसीडिंग्स दे दी जाए तो क्या उस समय यहाँ पर फ्री स्पीच को वायलेट नहीं किया जाएगा। ओके, तो मतलब ऐसा कि चाहे बैठी भी है यहाँ पर कोई मीडिया पर्सन, तो यहाँ पर अगर कोई कोर्ट में कोई डिसीजन दिया जा रहा है तो वो यहाँ पर बोल के नहीं दे रही है, सिर्फ यहाँ पर लिख कर दे दिया और उसको एनवेलप में डालकर यहाँ पर ट्रांसफर हैंड ओवर कर दिया कि ये अब मेरा प्रोसीडिंग्स है, तो यही यहाँ पर क्वेश्चन उठा रहे। तो यहाँ कि मतलब ये जो सिचुएशन बनेगी, तो जब ये हमारी हम बोलते हैं कि हमें फ्री स्पीच की आजादी है, फ्री एक्सप्रेशन की आजादी, तो क्या वो चीज वायलेट नहीं होगी, तो ये भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है ऑथर की तरफ से। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर टू की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ए बिट टू सोशली रिस्ट्रिक्टिव सेबी। तो अगर सेबी की बात करें तो इसका पूरा नाम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम है फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करके चलना, जैसे यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी कंपनीज जो ना अपने आप को रजिस्टर किया होता है स्टॉक एक्सचेंजेस में, और फिर वही कंपनी जो ना ट्रेड करती है, व्यापार करती है, उन कंपनीज में डेली बेसिस पे जब मार्केट खुलती है तो बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आती है अलग अलग कंपनीज में जो भी यहाँ पर लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में, कई बार पैसा निकल भी जाता है। ओके, तो मतलब ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में इसी यहाँ पर मंशा से करते हैं कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न हमें मिलेगा। ओके, तो उसमें कोई भी कंपनी अगर लिस्टेड है तो हो सकता है जो जिस भी दायरे में वो काम कर रही है तो उसी दायरे में वो पैसा लगाएगी। ओके, तो यहाँ पर इसी तरीके से ना एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी है भारत में, तो यहाँ पर जो कंपनीज या ट्रस्ट वगैरह जो यहाँ पर लिस्टेड होते हैं ज्यादातर यहाँ पर ये काम करते हैं समाज की भलाई के लिए। ओके, तो मतलब कि जैसे कोई एनवायरमेंटल इशू हो गया, ठीक है, तो उसको सही करने के लिए। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे जो ट्रस्ट होते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉर्पोरेट फाउंडेशंस हैं, ओके, जो कि मतलब कि रजिस्टर करती हैं अपने आप को सोशल स्टॉक एक्सचेंज के तहत और यहाँ से पैसा उठाती हैं। ओके, तो यहाँ से पैसा उठा के यहाँ पर भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, और इसी पैसे को आगे फर्दर लगाया जाता है तो अलग अलग कामों में, जिस पर्पस के लिए इन्होंने अपनी किसी भी कॉर्पोरेट ने अपनी फाउंडेशन बनाई हो उसी पर्पस के लिए। और आगे शुरुआत में यही बात कर रहे हैं कि अभी अभी ना पैनल प्रपोजल आया है सेबी के द्वारा, तो यहाँ पर उन्होंने जो एलिजिबिलिटी है ना कि फंड रेज करना अगर यहाँ पर सोशल स्टॉक एक्सचेंज में से, तो यहाँ पर उसको बहुत रेस्ट्रिक्टिव बना दिया है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मतलब बिल्कुल छोटी सी बात लेकिन उसको बहुत रेस्ट्रिक्टिव बना दिया है। तो अभी उन्होंने क्या किया, अभी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ओके, तो उनको तो रोक दिया है कि वो पैसा नहीं उठा सकती सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये तो सही बात है। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर बात करें कि जो कॉर्पोरेट फाउंडेशंस हैं,
और जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है लाइक उनको भी यहाँ पर मतलब जो है यहाँ पर पाबंदी लगा दी है कि वो भी पैसा नहीं उठा सकती। ओके, तो मतलब ये यहाँ पर सिचुएशन इसको यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं ऑथर। तो यहाँ पर बात करें कि एलिजिबिलिटी जो भी आपने बनानी है शुड बी डिटरमाइंड बाय द एक्टिविटीज एंड गोल्स ऑफ द आउटफिट सीकिंग टू रेज फंड्स। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन सोशल स्टॉक एक्सचेंज में से पैसा उठा रही है ना, तो उसका जो हिस्ट्री देखो कि उसने पहले कहाँ कहाँ पर काम किया हुआ। अगर वो एनवायरमेंट के रिगार्डिंग काम करे, कितने पेड़ लगा दिए, ओके, तो कितना काम किया है एनवायरमेंट को बचाने के लिए, ओके। इसके अलावा अगर अगर किसी पॉवर्टी को खत्म करने के लिए यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करे, तो कितने यहाँ पर कम्युनिटी किचन यहाँ पर लगाए हैं, कहाँ कहाँ पर अपनी सेवा दी है, तो इसको देखो। और फिर यहाँ पर जो ना एलिजिबिलिटी बनाओ कि जितने जितना पिछला इतिहास बढ़िया है, हिस्ट्री बढ़िया किसी कंपनी की या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके हिसाब से उसको मौका दो कि वो पैसा उठाए। तो अभी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने फाउंडेशंस बनाई हुई हैं यहाँ पर जो समाज कल्याण के कामों के लिए, ओके। तो यहाँ पर जैसे मैं रिलायंस फाउंडेशन की बात करूँ, तो वहां पर इसके थ्रू वो बच्चों को पढ़ाते हैं, ओके। स्कूल जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनको, जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती, तो उनकी मदद कर रहे हैं ये। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज ये कर रहे हैं। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ रिलायंस फाउंडेशन की, इसके अलावा और बहुत सारी फाउंडेशन है, ओके, जो कि अपना अपना काम कर रही है। तो अभी वही बात कर रहे हैं कि अभी कई बार ऐसा भी होता है कि जो ये कंपनीज अपनी फाउंडेशन बनाती है ना, तो इसका इनडायरेक्ट तौर पर कंपनीज को खुद भी फायदा हो जाता है। ओके, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि अगर कोई कंपनी कोई जो है नई स्टील मिल लगा रही है अपने ही यहाँ पर आयरन और यहाँ पर जो यहाँ पर आयरन और माइन है उसके आसपास, जैसे सपोज करो अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ, झारखंड की बात करूँ, तो यहाँ पर ना आयरन और काफी पाया जाता है। मतलब जो धरती के ऊपर ही पड़ा होता है, धरती के नीचे भी ये पाया जाता है, तो इसी आयरन ऑर को यूज करके इसको स्टील में कन्वर्ट किया जाता है। तो इन्हीं के आसपास लगाई जाती हैं स्टील मिल्स। तो भारत में देखो जितने भी स्टील प्लांट्स लगे हुए हैं ना, तो ईस्टर्न रीजन में ही लगे हैं। तो ज्यादातर ये रॉ मटेरियल जो होता है ना आयरन ऑर का, ये यहीं पर पाया जाता है। तो अभी देखो स्टील प्लांट्स में ही जो है ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है बड़े पैमाने पर। तो अभी जितने भी ऑक्सीजन हमने एयरलिफ्ट की है ज्यादातर भारत के ईस्टर्न रीजन से ही की है, ओके। जिनको भी हमने महाराष्ट्र दिल्ली तक हमने पहुंचाया है, तो ईस्टर्न रीजन से ही उसको इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयरलिफ्ट करके पहुंचाया गया है, ओके। तो अभी ऑक्सीजन यूज की जाती है, उस क्यों यूज की जाती है, इसके लिए मैंने पार्टिकुलर अलग से यहाँ पर लेक्चर बनाया, वो भी आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। तो कैसे यहाँ पर जो है स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्यों यहाँ पर जरूरत होती है ऑक्सीजन की, तो वो भी आप देख सकते हो। तो आगे यहाँ पर बात करें किसी रिमोट एरिया में जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, तो यहाँ पर आपने नई स्टील मिल लगा दी, ओके। तो यहाँ पर एक फाउंडेशन भी आपने बना दी वहां पर की जो लोकल कम्युनिटी है, ओके। तो उसको भी यहाँ पर इम्प्रूव किया जाए, खास तौर पे अगर हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, पीने वाले पानी की बात करें, सैनिटाइजेशन जो है सैनिटेशन की बात करें, ओके। तो मतलब कि जो ह्यूमन वेस्ट है उसका प्रबंध कैसे हो यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, तो ये सब चीजें की अगर बात करें ना, तो यहाँ पर अगर कोई फाउंडेशन सेटअप की जाती है उस यहाँ पर नई मिल के आसपास, तो लोकल कम्युनिटी को फायदा होता है, ओके। तो यहाँ पर अगर लोकल कम्युनिटी को ऐसा फायदा कोई कंपनी पहुंचा रही है अपनी फाउंडेशन के थ्रू, तो फिर कंपनी को भी फायदा कई बार हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा तो ये रहता है कि यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है ना, तो वो उस कंपनी के खिलाफ अभी नहीं बोलेगी, ओके। तो मतलब किसी भी तरीके की जो शत्रुता है ना वो नहीं पैदा होगी कंपनी और यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी होगी उनके बीच में। तो ज्यादातर ये रहता है, ओके, जो जहां पर प्लांट लगता है अगर कोई ट्राइबल एरिया आ गया तो वो मतलब विरोध करते रहते हैं। तो अभी इस तरीके की सिचुएशन मतलब फायदा हो जाता है कंपनीज को भी कई बार, अगर ऐसे जो है समाज कल्याण के काम करते हैं, अगर वो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि जितने समय तक यहाँ पर जो कोई फाउंडेशन जो है वास्तविक बदलाव लाती है कहीं किसी भी एरिया में, किसी भी यहाँ पर टारगेट पॉपुलेशन में, तो यहाँ पर काफी फायदा रहता है, काफी सारे बदलाव जो है देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि व्हाई शुड इट नॉट सीक टू ड्रॉ ऑन रिसोर्सेज अदर देन कंपनीज ऑन। तो यहाँ पर क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है ऐसी कंपनीज को, ऐसे यहाँ पर कॉर्पोरेट फाउंडेशंस को, कि मतलब अपने फंड्स के अलावा किसी और फंड को भी यूज करके आगे काम करें। अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं स्पेशली सोशल जो इम्पैक्ट फंड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जो फंड्स आते हैं इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है इनको कि वो भी पैसा उठाए और यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी जो कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर करें। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन मार्क यहाँ पर जो है किया जा रहा है ऑथर की तरफ से यहाँ पर। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी कंपनी अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रही है समाज कल्याण की, तो अपना ही फंड यहाँ पर अगर उसको यूज कर रही है, अपने रिसोर्सेज को यूज कर रही है, तो यहाँ पर वो कंपनी हो सकता है कि यहाँ पर अगर मैं कॉम्पिटिशन की बात करूँ उसमें थोड़ा पीछे रह जाए, अगर इसके राइवल के साथ इसके कंपेरिजन करें उसी एरिया में, ओके। तो जिसको कि पहले एक डेकेड पहले ही खोला गया है, मतलब समाज कल्याण के काम के लिए भी यहाँ पर, किसी पर्टिकुलर काम के लिए भी, जिसके लिए भी
कंपनी लगाई गई है। तो यहाँ पर अगर अपने ही रिसोर्सेज अपना यूज करना शुरू कर देगी तो दायरा लिमिटेड रह जाएगा। मतलब कि एक्सपेंड अगर करना चाहे ना कंपनी अपने आप को कि मैंने दायरा बढ़ाना है, जो मैंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अदा करनी है, तो वो दायरा लिमिटेड हो जाएगा। तो उसका राइवल अगर उसके पास ज्यादा पैसा होगा तो हो सकता है वो ज्यादा अप्रोच लगाए। ओके, तो ये यहाँ पर सिनेरियो पेश हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस ट्रस्ट है, ओके, जो कि यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो भूखमरी है इसको खत्म करना चाह रहे हैं, जो माल न्यूट्रिशन है इसको खत्म करना चाह रहे हैं। देखो ये माल न्यूट्रिशन मतलब कि ये जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी माँ से ही उसको मिलता है, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं कुपोषण। अंदर जो डाइट जाती है ना खाने के रूप में, उसमें न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है, जिसके चलते बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती। तो यहाँ पर ऐसा होता है, मतलब चाइल्ड वेस्टिंग देखने को मिलती है, चाइल्ड स्टंटिंग देखने को मिलती है, मतलब कि जो नॉर्मल हाइट और वेट है ना उसमें गड़बड़ आ जाती है। या तो हाइट नहीं बढ़ रही है, ओके, या तो फिर वेट जो है ना वो नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरीके से मतलब ये सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ पर भूखमरी और यहाँ पर माल न्यूट्रिशन, जो यहाँ पर खाना मिलता भी है ना उसमें ही न्यूट्रिशन की कमी, जिसके चलते ऐसा जो है ना सिचुएशन बन जाती है। ओके, तो भारत अभी बहुत पीछे है इन यहाँ पर समस्याओं का हल ढूंढने में। तो अभी अगर कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या फिर और कोई यहाँ पर फाउंडेशन अगर ऐसा सपोर्ट दे रही, तो अभी उसको रोकना नहीं चाहिए। वो तो यहाँ पर काफी जो है ना लिवलीहुड, मतलब आजीविका भी ये प्रोवाइड करते हैं लोगों को। तो यहाँ पर इनको, इन ऐसे ट्रस्ट को बैन करने की बजाय रेगुलेटर को यहाँ पर मॉनिटर करना चाहिए कि ऐसे अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर यहाँ पर सोशल स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से पैसा रेज करती है तो उनका एंड यूज क्या करती है, उन फंड्स का मतलब कहाँ तक लगाती है, कहाँ पर लगाती है, तो इनको मॉनिटर करो। ओके, तो पहले देखो तो सही, अगर फंड उठाया है तो कहाँ कहीं पर जो है एक्टिविटी की है, तो सिचुएशन के हिसाब से आप आगे कदम बढ़ाओ। तो यहाँ पर ये मदद कर सकेंगे, दिस विल ऑल्सो हेल्प ट्रस्टीज। यहाँ पर जो भी ट्रस्ट होता ना, तो यहाँ पर उसके नंबर ऑफ ट्रस्टीज होते हैं। खासतौर अगर अगर मैं किसी अगर कॉलेज के ट्रस्ट की बात करूँ या फिर रिलीजियस ट्रस्ट की बात करूँ, तो उनके ट्रस्टीज होते हैं जिन्होंने पैसा लगाया होता है और एक ट्रस्ट क्रिएट किया होता है, और उसी ट्रस्ट का एक कोई अपने ही अपना ही यहाँ पर तरफ से चुना हुआ एक चेयरमैन भी होता है जो कि उसको लीड करता है। तो अभी उनको मदद मिलेगी कि वो अपनी ड्यूटी कर सके, तो उन फंड्स को अच्छे तरीके से वो यूज कर सके, जहां पर भी वैध तरीके से किसी भी सामाजिक पर्पस के लिए अगर उसको यूज करना हो। तो लास्ट में यहाँ पर बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिजिबल एक्टिविटीज शुड बी फ्लेक्सिबल विद लिमिट्स। तो यहाँ पर जो एलिजिबल एक्टिविटीज ना, तो उनको भी वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब कहाँ कहाँ पर काम कर सकते हैं। ओके, तो थोड़े थोड़े यहाँ पर लिमिट्स भी लगाने हैं। तो यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि मतलब दायरा जहां पर भी काम करो, चाहे हंगर दूर करनी है, चाहे अपने एजुकेशन देनी है, चाहे अच्छा पानी पीने का सुविधा प्रभाव जो है प्रदान करनी है, तो उसके हिसाब से आपको क्लासिफाई करना होगा सभी एक्टिविटीज को। और इसके अलावा ये भी बात कर रहे हैं कि दी शुड टारगेट अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स, मतलब ये सबसे पहले बात है, मतलब इनसे शुरुआत करनी है, जिन तक मतलब कि अप्रोच पहुंच ही नहीं रही, ना अच्छी एजुकेशन पहुंच रही है, ना ही उनके पास जो है मतलब अच्छी हेल्थ केयर पहुंच रही है। तो अभी उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो ऐसा कोई रीजन नहीं है, नो रीजन टू अलाउ एनी लीवे फॉर अंडरटेकिंग नॉन एलिजिबल एक्टिविटीज। यहाँ पर कोई रीजन नहीं है कि मतलब किसी को आप जो है छूट दे दो, मतलब कोई जो नॉन एलिजिबल एक्टिविटीज है तो यहाँ पर उसको ना किया जाए। तो ये सिचुएशन यहाँ पर है। तो अभी जो सेबी है तो उसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया कि इतना टू रिस्ट्रिक्टिव जो है ना वो नहीं होना चाहिए। तो यही मतलब सार पूरी बात में ऑथर ने अपना रखा है इस पूरे के पूरे यहाँ पर एडिटोरियल में। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 3 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटर बैंक फॉर द रूपी। तो अभी रूपीज के बारे में क्या सिचुएशन है हमारे भारतीय करेंसी की, दुनिया के बाकी करेंसीज के सामने अगर हम रूपी की सिक्योरिटी की बात करें, जो हमारा जो हार्ड करेंसी है उसकी सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें, उसकी क्वालिटी की बात करें, तो मतलब कहाँ पर ठहर रहा है पूरी दुनिया में, अभी उसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो अभी जो गवर्नमेंट की पेपर करेंसी सबसे पहले भारत में इंट्रोड्यूस हुई थी ये 1861 में, अभी 160 साल से ऊपर का समय हो गया है। तो अभी डिजिटल पेमेंट जो है ना, तो अभी इसका समय ये बढ़ता जा रहा है। तो डिजिटल पेमेंट ज्यादातर देखो कोई भी है अगर कोई पेमेंट कर रहा है, अगर तो पढ़ा लिखा है, मोबाइल वगैरह चलाना जानता, तो डिजिटल पेमेंट को ही वो ऑप्शन को ना यहाँ पर प्रेफर करता है। तो अभी जिसके चलते करेंसी अभी डिजिटल फॉर्मेट में आगे बढ़ रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर सेंट्रल बैंक की यहाँ पर बात करें ना, सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी है, तो अभी इतना बड़े पैमाने पर उसने अभी जो है जिस तरीके से सिनेरियो बनना चाहिए था वो बना नहीं है। मतलब अगर कहे ना कि पूरी आबादी जो है डिजिटल करेंसी को फॉलो करके चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी अभी भी जो पेपर करेंसी है ना, तो अभी काफी बड़े पैमाने पर लोगों का विश्वास भारत में उसके ऊपर है पेपर करेंसी। तो अभी जो नोट सर्कुलेशन में है पूरी यहाँ पर भारत की इकोनॉमी में, तो यहाँ पर कुल उसकी जो रकम बनती है वो अभी ₹30 ट्रिलियन यहाँ पर इतने इसके आसपास बनती है। ओके, 30 ट्रिलियन रुपीज के आसपास। तो यहाँ पर
जो प्री डीमोनेटाइजेशन लेवल था ना, उससे ये डबल अप्रोच जो है ना, ये बनती हुई नजर आ रही है। तो 2016 में हुई थी डीमोनेटाइजेशन, तो उससे पहले का जो सिनेरियो था, मतलब कितने करेंसी नोट सर्कुलेशन में थे, तो अभी उससे ज्यादा यहाँ पर ये अभी अभी को देखने को मिल रहे हैं, अभी फ्यूचर के सिनेरियो में, अभी प्रेजेंट के सिनेरियो में। तो अभी फिजिकल करेंसी की यहाँ पर बात करें कि अभी इसको रेकोगनाइज किया जाता है, जो गरीब आदमी है, जो अमीर आदमी है, जो गाँव है, जो बड़े शहर है, मेट्रो सिटी, सब जगह यहाँ पर जो ना प्रेफर की जाती है, रेकोगनाइज किया जाता है, विश्वास रखा जाता है कि हमारी हमारे हाथ में अगर फिजिकल करेंसी है तो मतलब कि कोई टेंशन की बात नहीं। तो यहाँ पर आगे बात करें, इट इज ए कंट्रीज विजिटिंग कार्ड दैट कैन कैप्चर द स्पिरिट ऑफ ए नेचर नेशन, इंस्पायर एंड मोटिवेट, बट हैज इंडिया रियलाइज इट्स फुल पोटेंशियल। तो अभी बात कर रहे हैं कि ये जो है ना, एक तरीके का विजिटिंग कार्ड है भारत का, अगर हम इंडियन फिजिकल करेंसी की बात करें। ओके, जैसे 10 रुपए, ये 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए की जो ये जो करेंसी नोट हो गए, तो ये विजिटिंग कार्ड है। तो क्या इन्होंने जो पूरे देश की जो स्पिरिट, उसको का कैप्चर कर पाए हैं, इंस्पायर कर पाए हैं, मोटिवेट कर पाए हैं? तो यहाँ पर वही बात करें कि जो हमारी भारतीय करेंसी है, जो उसका जो फुल पोटेंशियल है, क्या उसको रियलाइज कर पाया भारत? तो अभी यहाँ पर एक इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि 2020 का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ करेंसी अफेयर अवार्ड हुआ, जिसमें यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है ना, किसका? सोलोमोन आइलैंड्स का। तो सोलोमोन आइलैंड्स, ये भी एक कंट्री है, तो यहाँ पर 100 से ज्यादा आइलैंड्स हैं जिसका ग्रुप बन के एक कंट्री बनता है। तो अभी उनका यहाँ पर एक $5 का यहाँ पर करेंसी नोट था, जिसको कि यहाँ पर सबसे बढ़िया नोट जो था ना, यहाँ पर करार दिया गया और इस यहाँ पर उसको अवार्ड दिया गया, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ करेंसी अफेयर अवार्ड के तहत। तो अभी इस तरीके से ये करेंसी दिखती है, ये $5 की करेंसी है सोलोमोन आइलैंड्स की, ये ऊपर लिखा हुआ है सोलोमोन आइलैंड्स। तो यहाँ पर सभी चीजें देखी जाती हैं, इसके सिक्योरिटी फीचर्स कैसे हैं, इसकी यहाँ पर जो जो करेंसी में जो पेपर यूज किया वो क्या है, उसकी क्या क्वालिटी है। ओके, जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो क्या है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब अगर धूप में रख दिया जाए तो रंग ही उड़ जाए। तो ये सब सिचुएशन, सब चीजें यहाँ पर देखी जाती है, उस हिसाब से यहाँ पर जो ना अवार्ड इसको मिला है। तो सोलोमन आइलैंड ये कहाँ पर है, तो ये भी देख लें आप। तो ये देखिए, ये लोकेशन है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पर कॉरल सी आता है और इसी के ऊपर आता है यहाँ पर सोलोमन सी। ओके, तो ये जो यहाँ पर रेड कलर में जो यहाँ पर बाउंड्री लाइन बना है ना, जहां जहां पर जिन जिन टेरिटरीज का, ये यहाँ तक ये सभी यहाँ पर छोटे मोटे आइलैंड्स हैं। यहाँ पर करीबन 100 के आसपास गिनती है, तो इन सबका ग्रुप बनाकर यहाँ पर ये एक देश बनता है, सोलोमन आइलैंड नाम का। ओके, तो अभी इन्हीं की करेंसी की, इन्हीं के $5 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, तो इसकी कैपिटल क्या है? ओके, तो वैसे तो ये सामने लिखी हुई है, तो क्या कैपिटल, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा आगे बात करें कि और जो फाइनलिस्ट थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर फाइनलिस्ट रहा, बहामास रहा, तो बहामास कहाँ पर है? ओके, ये यूएसए के पास पड़ता है। ओके, इसके अलावा यूरोप की बात करें, तो यहाँ पर पूरे यूरोपियन यूनियन में एक ही करेंसी चलती है, यूरो। ओके, तो इसके अलावा ओमान की बात करें, तो ये वेस्ट एशिया का कंट्री है। ओके, ओमान सऊदी अरेबिया के साथ इसका बॉर्डर लगता है, यमन के साथ इसका बॉर्डर लगता है। ओके, तो अभी ये भी फाइनलिस्ट रहे, इनकी करेंसी ने भी मतलब काफी पीछे नहीं रहा है। तो अगर हम अगर इनका कंपैरिजन करें बाकी कंट्रीज के साथ, अगर भारत की जो यहाँ पर नेबरिंग कंट्रीज, अगर उनके साथ ही भारतीय करेंसी का यहाँ पर कंपैरिजन करें ना, जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव्स हो गया, तो हमारी जो पेपर करेंसी है ना, तो काफी पीछे रही है। देश का जो चरित्र है, जो यहाँ जो जो आकांक्षाएं हैं उनके हिसाब से, यहाँ जो यहाँ पर जो हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज है उसके हिसाब से, मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी, अभी देखो हमारे करेंसी नोट में अलग अलग तरह के करेंसी नोट है, कहीं पर रानी की वाव जो है वहां पर उसकी छपाई की हुई, कहीं पर सैटेलाइट की छपाई की हुई, कहीं पर जो हमारे सांची स्तूपा है ठीक है उसकी छपाई की है, मतलब इतना कुछ है, कल्चरल हेरिटेज है, सब कुछ हमने दर्शाया, फिर भी बहुत पीछे है हमारी पेपर करेंसी। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी मोस्ट रिसेंट जो है ना चेंजेस यहाँ पर की गई थी डीमोनेटाइजेशन के बाद, तो ज्यादातर जो कलर स्कीम थी वो बदल दी गई, और इसके अलावा जो साइज था वो भी बदल दिया गया हमारे करेंसी नोट्स का। पहले जो करेंसी नोट्स होते थे 500 हजार के, उनका साइज काफी बड़ा होता था और यहाँ पर ये मोटे भी काफी होते थे, और काफी रेयर केस होता था कि मतलब कि ये जो 500 हजार के जो नोट है, इनका जो रंग वगैरह जो है वो उड़ गया हो। तो अभी के जो नोट है ना, तो उसके मुकाबले में काफी पतले हैं और क्वालिटी के हिसाब से भी काफी खराब क्वालिटी है, अगर भारतीय करेंसी नोट्स की अगर बात करें। तो यहाँ पर ऑथर यही बात कर रहे हैं कि अभी जो है ना अगुर तरीके से दोबारा से सोचने का समय आ गया है, हमें सोचना होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं वो यहाँ पर करेंसी का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं कंज्यूमर्स के प्रति, कि इस करेंसी को यूज करो तो मतलब
इसका डुप्लीकेशन नहीं होगा। जैसे हम यूएस डॉलर की बात करें तो वहां पर सिक्योरिटी फीचर्स इस तरीके से लगाए हुए हैं कि उसका डुप्लीकेशन नहीं हो सकता, मतलब बहुत रेयर है, बहुत टफ है उसका डुप्लीकेशन करना। अगर कोई कंट्री करता भी है ना तो वो करता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है यूएस का डॉलर है, तो अगर यूएस के साथ पंगा लेना है तो वो मतलब सही बात नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि अगर हम बात करें जो पेपर यूज किया जाता है यहाँ पर पेपर करेंसी बनाने के लिए, इसके अलावा जो सिक्योरिटी फीचर, जैसे यहाँ पर होलोग्राम लगाए जाते हैं, ठीक है, तो होलोग्राम डोरवेज, तो इससे भी यहाँ पर ज्यादातर ये यूएस डॉलर में देखने को मिलता है। तो इसके अलावा यहाँ पर कुछ इमेजेस लगाई जाती हैं, फ्लोरोसेंट इमेजेस, जो कि आप अपने करेंसी नोट में भी आप देखने को आपको मिलती होंगी। जैसे मैंने अभी कुछ एग्जाम्पल्स ली थी, रानी की वाव हो गया या फिर जो सांची स्तूपा हो गया। इसके अलावा यहाँ पर कुछ डिजिट्स भी लिखे जाते हैं किसी भी करेंसी में, ओके, यहाँ पर उसकी कलर कलर पैचेस होते हैं, तो एक ही करेंसी नोट में एक जैसा कलर नहीं होता है, ओके, अलग अलग यहाँ पर जो है ना अलग अलग कलर यहाँ पर होते हैं, कोई लाइट होता है, कोई डार्क होता है। अगर हम 2,000 रुपये की यहाँ पर करेंसी नोट की बात करें तो पूरे करेंसी नोट पे एक जैसा कलर नहीं है, ओके, तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ रिवर्सिंग डिजिट्स, शिफ्टिंग डिजिट्स यहाँ पर लिखे होते हैं, यहाँ पर माइक्रो लेटरिंग भी की होती है, मतलब कि जहाँ पर छोटे छोटे लेटर्स लिखे होते हैं। और भी यहाँ पर अपनी अपनी ना हर एक देश अपने अपने हिसाब से यहाँ पर सिक्योरिटी फीचर्स रखता है, ज्यादातर यहाँ पर कॉमन रहते हैं, ओके, तो यहाँ पर प्रिंट क्वालिटी जो ना वो भी काफी बढ़िया होनी चाहिए, इसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया जाता है। तो अभी आरबीआई जो है ना यहाँ पर कुछ ऐसे कस्टमाइज फीचर्स जो है ना जो कि बाकी जगह पर अवेलेबल नहीं, उनको डेवलप कर सकता है, तो तभी तो हमारी करेंसी यूनिक बनेगी ना। तो अभी वही बात कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर करेंगे पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है ना यहाँ पर उसको मतलब रिकॉग्निजेबिलिटी की यहाँ पर बात करें कि मतलब उसको पहचानने की क्षमता। तो यहाँ पर जो ऐसे लोग जो कि विजुअली चैलेंज है, मतलब जो देख नहीं सकते, तो मतलब इस तरीके से आपका करेंसी नोट होना चाहिए कि उसको भी पता चल जाए, हाथ से टच करके उसको पता चले कि मतलब ये 100 का है या 200 का है या 500 का है, यहाँ पर किस कौन सी करेंसी है, ओके। तो इस तरीके से आपको ना यहाँ पर मल्टी चैनल यहाँ पर पब्लिसिटी की यहाँ पर बात करें कि इस तरीके से आपको बढ़ना होगा। तो यही यहाँ पर एक की है अगर आप ऑब्जेक्टिव अपना अचीव करना चाह रहे हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारे 500 रुपए की करेंसी है, तो यहाँ पर देखो डिजिट बड़े हुए, 1 नंबर 2 नंबर, उसके हिसाब से यहाँ पर लिखा है। जैसे जो जो भी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखो 500 लिखा हुआ है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर फिर जो 2 नंबर पे फिर यहाँ पर लेटर इमेज बनी हुई है, नमेरिकल्स लिखे हुए हैं कुछ यहाँ पर, कुछ अल्फाबेट्स वगैरह लिखे हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर की यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर देखो ये देवनागरी में 500 लिखा है, तो मतलब ये अलग अलग तरीके के फीचर्स हैं जो अपनी अपनी करेंसी अपने अपने हिसाब से हम देखते हैं, ओके। तो ये जैसे यहाँ पर देखो ये वाली जो यहाँ पर 5 नंबर पे जिसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी थ्रेट है जो कि मतलब आपको हर एक नोट में आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो मतलब ये यूनिक फीचर है, सिक्योरिटी फीचर है, जिसको मतलब कॉपी करना काफी टफ रहता है। ज्यादातर अगर कोई कॉपी करते भी है ना तो इसको नहीं कॉपी कर पाते, जो यहाँ पर ये जो थ्रेड इसमें डाला गया होता है, ओके, तो यहाँ से भी पहचान जो है हो जाती है करेंसी नोट की। तो एक तरीके का ये सिक्योरिटी यहाँ पर फीचर है। 7वें नंबर पर यहाँ पर पोर्ट्रेट और इलेक्ट्रोटाइप यहाँ पर वाटर मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये 7वां नंबर है। यहाँ पर देखो तो वाटर मार्क की तरह यहाँ पर गांधी जी की फोटो आपको नजर आएगी अगर उसको रोशनी में करोगे, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सिक्योरिटी बनाकर जल्दी। इसके अलावा 8वें नंबर पर यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, नंबर पैनल है, ओके, यहाँ पर की जो लेफ्ट साइड से शुरू हो रहे हैं तो राइट साइड तक यहाँ पर आगे जा रहे हैं। और इसके अलावा बात करें जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसके लिए यहाँ पर क्या किया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 11 नंबर वाला यहाँ पर सर्कल बात कर रहे हैं, तो ये देखो तो ये 11 नंबर पे यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर बात करेंगे, सर्कल है विद ₹500 इन ए रेस्ड प्रिंट ऑन द राइट, मतलब थोड़ा उभरा हुआ है, जिसके चलते कि अगर हाथ से टच करते हैं ना पता चल जाता है कि ये 5 है, ये 0 है, 0 है तो 500 है, ओके। तो इस तरीके से ये मतलब ये विजुअली जो लोग मतलब हैंडीकैप नहीं देख पाते उनको मदद रहती है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं 12वें नंबर पर, यहाँ पर ये स्ट्रेचेस, ये जो लाइंस लगी होती हैं साइड में उनकी बात करेंगे, 5 ब्लीड लाइंस ऑन लेफ्ट एंड राइट इन रेस्ट प्रिंट, मतलब यहाँ पर 5 ब्लीड लाइंस, तो इनका मतलब ये है कि मतलब ये 500 का नोट है। तो इस तरीके से दो तरीके से ना मतलब जो अंधे लोग हैं उनको पता चल जाता है कि कौन सी करेंसी हम यूज कर रहे हैं, तो ये भी काफी बेनिफिट वाली बात है। तो इस तरीके से हम सिक्योरिटी फीचर्स को देख के चलते हैं। और इसके अलावा अगर इसकी बैक की बात करें तो यहाँ पर देखो लाल किला इसकी प्रिंटिंग है। 2000 के नोट की बात करें तो यहाँ पर भी ये जो इसके बैक पे जो है वो एक सैटेलाइट की प्रिंटिंग है, तो यहाँ पर उस सैटेलाइट का क्या नाम है उसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा जितने भी करेंसी नोट है ना, तो अभी जो नए प्रिंटिंग फॉर्म में जो आए हैं जिनका कलर स्कीम बदल दी गई, जैसे 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, उसके जो पीछे जो इमेज बनी है ना उसको जरूर देखना। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं, तो इसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए,
ओके, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान रखिए, जो जो पीछे जो इमेज बनी है कौन सी क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी रखें। और इसके अलावा अगर बात करें जो 2000 की ये जो ब्लीडिंग लाइंस होती है ना, इनकी गिनती 7 होती है, तो ये यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर 2000 का नोट जो है ना, वहां पर 7 लाइंस होंगी, जिसके चलते आप पहचान कर पाओ कि ये 2000 का नोट है या 500 या फिर 200 का। ओके, तो ये यहाँ पर पूरी सिचुएशन रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर तीसरी जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं फंक्शनैलिटी, जो करेंसी की फंक्शनैलिटी है वो कैसे काम कर रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कोई भी व्यवस्थित करेंसी है ना, जो सही तरीके से काम कर रही है, मतलब जो है एक्सपैंड हुई हुई है, तो उसको मतलब फंक्शन कैसे करे। तो यहाँ पर भारत की बात कर रहे हैं कि जो भी शब्द यहाँ पर, जहाँ फ्रेज लिखा होता है करेंसी नोट के ऊपर, जो भी स्पेस होती है करेंसी नोट के ऊपर, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखो, अगर कोई बात लिखी है तो यहाँ पर ट्रांसलेशन चाहिए, यहाँ पर कम से कम यहाँ पर एक या और भी यहाँ पर जो भाषाएं उसमें, तो यहाँ पर एक गारंटी क्लॉज होता है हमारे करेंसी नोट के बिल्कुल सेंटर में, बीचों बीच, तो जहां पर लिखा होता है कि जो है गारंटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार यहाँ पर, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट नोट्स को यहाँ पर जो था, अभी जो यहाँ पर प्राइवेटली नया ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बनाया गया था, जब इसको यहाँ पर नेशनलाइज किया गया था 1949 में, तब यहाँ पर पहली बार इसको इस यहाँ पर इस क्लॉज को, गारंटी क्लॉज को यहाँ पर जो था ना, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, भारत सरकार के द्वारा, तो तब से यहाँ पर ये क्लॉज जो है ना अब तक चल रहा है। तो इसको तो और डिटेलिंग अभी दी गई, जैसे यहाँ पर अभी लिखा होता है प्रॉमिसरी क्लॉज, वादा करता हूँ मैं, जैसे क्या लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ। ओके, तो यहाँ पर पूरी डिटेलिंग होती है। ओके, तो इस तरीके से मतलब ये तब से शुरू हो रहा है, मतलब जब से यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पर उसका नेशनलाइजेशन हुआ है, सरकारी बॉडी उसको बनाया गया, और यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया यहाँ पर करेंसी मार्केट में। और अभी कुछ समय ऐसे भी था कि मतलब कि जब करेंसीज को कन्वर्टेबल किया जाता था बेस मेटल्स में, ओके, तो बेस मेटल जैसे सोना, तांबा हो गया, ओके, तो या इन चांदी हो गया, तो इसके सिक्के बनते थे। ओके, तो ये कन्वर्टेबिलिटी अब हिस्ट्री रह चुकी है। ओके, तो अभी ये समय गुजर चुका है, तो अभी हमारे पास फिएट करेंसी है, कागज की करेंसी हमारे सामने है। ओके, जो जो कि मतलब कि काफी अपनी होंद रखती है अपनी इकोनॉमी में। तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने ये वाला क्लॉज खत्म कर दिया है, ये जहाँ ये जो लिखा होता है ना प्रॉमिसरी क्लॉज, इसको खत्म कर दिया है। तो यहाँ पर अगर यूरो की बात करें, तो यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, तो यहाँ पर उन्होंने एक लॉस नहीं रखा हुआ है। इसके अलावा अगर यूएस डॉलर की बात करें, तो ये सिंपल सी बात लिखी हुई है वहां पर, दिस नोट इज लीगल टेंडर फॉर ऑल डेट्स, यहाँ पर ये सिंपल सी बात लिखी है। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि मैं धारक को इतने पैसे देने का वादा करता हूँ। तो यहाँ पर दिस नोट इज अ लीगल टेंडर फॉर ऑल डेट्स पब्लिक एंड प्राइवेट, सिर्फ ये बात लिखी है यूएस डॉलर में। और यहाँ पर आरबीआई ने भी प्रपोजल दिया था 1960s में, ये जो क्लॉजेज है तो इनको ड्रॉप कर दिया जाए, लेकिन ये भारत सरकार के द्वारा ये एक्सेप्ट नहीं किए गए। तो अभी जो एंटायर क्लॉज है, तो यहाँ पर उसको जो ना ड्रॉप किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है विद अ स्टेटमेंट। तो ये क्या स्टेटमेंट की बात कर रही है, दिस नोट इज अ लीगल टेंडर फॉर ऑल डेट्स इन इंडिया, तो ये बात भी यहाँ पर लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। ओके, देखो ये पूरी हर एक चीज बता रहे हैं कि कैसे एक नोट जो है करेंसी फंक्शन करती है, क्या क्या कमियां हैं जिसको हम सही कर सकते हैं। ओके, जिसके चलते मतलब हमारी करेंसी इतनी पीछे रह गई है हमारे नेबरिंग कंट्रीज के हिसाब से भी, जो और जो यहाँ पर वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज उनके हिसाब से भी, मतलब कि इतना रिच कल्चरल हेरिटेज होने के बावजूद भी, ओके, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम पीछे। तो अभी वही सुझाव यहाँ पर दी जा रही है। आगे यहाँ पर बात करें कि जो डिक्लटरिंग यहाँ पर मेजर है रिलेट टू लैंग्वेजेस, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी कुछ यहाँ पर व्यवस्थित चीजें हमें करनी होगी। तो देखो जब भाषाएं की बात करें ना, तो अभी अगर जो हमारा संविधान है उसके चलते 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो यहाँ पर देखो जो भी आरबीआई नोट यहाँ पर एस्टेब्लिश करता है, तो यहाँ पर हैड ए डिनोमिनेशन रिटन इन वर्ड्स एंड फिगर्स इन द लैंग्वेजेस इन यूज इन ब्रिटिश इंडिया। ओके, तो जो भी यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया के समय जो भाषाएं उस समय इस्तेमाल की जाती थी ज्यादातर, तो उन्हीं शब्दों को उन्हीं फिगर्स को यहाँ पर करेंसी नोट में लिखा होता है। तो आजादी के बाद भी यहाँ पर ये पाया गया कि मतलब और भी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं भारत के यहाँ पर संविधान में 8वें शेड्यूल के तहत, तो यहाँ पर उनको भी लिखा जाए। तो यहाँ पर अभी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो अभी देखो कोंकणी और नेपाली अभी ये लास्ट हैं जो इस लिस्ट में ऐड हुई है, ये जो 8 शेड्यूल की जो लिस्ट बनी हुई है 22 लैंग्वेजेस की। इसके अलावा और भी यहाँ पर आखिरी 4 भाषाएं हैं जिनको ऑफिशियल लैंग्वेजेस का स्टेटस मिला है। एक बोडो है जो कि बोडोलैंड में बोली जाती है, या सांबला एरिया है, डोगरी ये जम्मू में बोली जाती है। ओके, तो यहाँ पर ये बिल्कुल एक तरीके से जो पंजाबी होती है उसके सिमिलर होती है। ओके, इसके अलावा मैथिली ये यहाँ पर बिहार में बोली जाती है, तो यहाँ पर तो एक प्रत्येक प्रदेश की मांग हो रही है बिहार में मिथिलांचल। ओके, तो ये मैथिली अलग से यहाँ पर भाषा निकलती है बिहार वाली साइड से, जो
बिहार का जो एरिया नेपाल को टच करता है, ओके, तो वहां वाले एरिया में यहाँ पर मैथिली लोग पाए जाते हैं। इसके अलावा संथाली, ओके, तो यहाँ पर संथाली भी एक रीजन है जिसके चलते यहाँ पर एक जो है ये भाषा बोली जाती है, तो अभी इसको भी भारतीय संविधान में रखा गया। तो ये कौन सा रीजन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप करें। ओके, भारत के कौन सा राज्य में संथाली बोली जाती है, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो अभी इन इन चारों को भी जो है जगह दी गई, तो अभी इनको इनके मतलब इनको फॉलो नहीं किया गया, इनको मतलब कि करेंसी नोट में इनको आप नहीं देख पाओगे अगर हम कोंकणी की बात करें या फिर डोगरी की बात करें, क्योंकि जगह ही नहीं है। ओके, स्पेस बहुत कम है, तो जो पहले से चलता आ रहा था अभी उसी को आगे जो है कंटिन्यू किया जा रहा है। तो इसके अलावा यहाँ पर और जो कंस्ट्रेंट्स की बात करें कि जितने भी लैंग्वेजेस हैं अदर देन इंग्लिश एंड हिंदी कुड बी ड्रॉप्ड, ओके, तो यहाँ पर ये बात की जा रही है उनको ड्रॉप किया जा सकता है इंग्लिश और हिंदी के अलावा, एंड लिमिटेड टू माइक्रो लेटरिंग, तो जो छोटे छोटे लेटरिंग होती है तो उनके ऊपर हम फोकस करें। ओके, जैसे अभी आप करेंसी नोट देखोगे तो उसमें थोड़ा बहुत नजर आता है, तो इसको बहुत छोटे छोटे अक्षर में लिखने की बात कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिवली एक्सप्रेशन ऑफ डिनोमिनेशन इन वर्ड्स कुड बी ड्रॉप एज द पब्लिक रिकॉग्नाइज नोट्स बाय नंबर्स नॉट बाय वर्ड्स, ओके, तो इन सब चीजों को यहाँ पर ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं, जो भी डिनोमिनेशन एक्सप्रेशन जो लिखे होते हैं। ओके, तो यहाँ पर सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि वर्ड्स के हिसाब से यहाँ पर पहचान नहीं होती है करेंसी नोट की, नंबर्स के हिसाब से होती है। ओके, तो मतलब नंबर क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, जैसे अंधे लोग मतलब पहचान कर लेते हैं कि मतलब लिखा क्या है, 500 है, 1000, तो ये चीजें देखते हैं लोग। तो किसी भी करेंसी नोट में कितने शब्द लिखे हैं, तो क्या क्या लिखा है, तो इनके ऊपर कोई भी फोकस नहीं करता है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो फंक्शनैलिटी है ना, तो उसका मतलब यहाँ पर ये भी निकलता है कि यहाँ पर जो करेंसी जो एटीएम्स के लिए जो फिट बैठती है, मतलब कि जो स्टैंडर्ड वैलेट्स है, मतलब जिस तरीके से उनका साइज वगैरह क्या है। और इसके अलावा ये बात कर रहे हैं कि अभी कई बार ऐसा भी होता है कि कम से कम नोट्स को जो ना फोल्ड करें, तो फोल्ड करने को यहाँ पर कम क्यों कहा जाता है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी, ओके, मतलब कितनी लॉन्गर लाइफ है उस करेंसी नोट की, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उठता है। तो भारत की करेंसी इसमें भी बहुत पीछे है ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी। तो यहाँ पर अभी चौथा सिद्धांत, चौथी बात यहाँ पर रख रहे हैं ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, और तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें ऐसा नोट इस तरीके का यहाँ पर क्वालिटी होनी चाहिए कि फटे ना, ओके, यहाँ पर अगर खरोच वगैरह आए तो वो उसमें ना आए। तो यहाँ पर अगर उसको यहाँ पर जैसे हमारा जो पेपर करेंसी है, तो आसानी से उसके आप टुकड़े टुकड़े आप कर सकते हो, तोड़ सकते हो, ठीक है, जला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आसानी से अगर बारिश वगैरह आ गई तो भीग भी सकता है, तब भी यहाँ पर दिक्कतें आती हैं। फिर पहले सुखाओगे, फिर बाद में जो है उसको बाद में उसको एज ए लिक्विड टेंडर आप यूज करोगे। तो अभी वहां पर भी एक बात कह रहे हैं, यहाँ पर बात कही लॉन्ग पेंडिंग इनोवेशन की, तो कौन से यहाँ पर पेंडिंग इनोवेशन की बात करें भारत के हिसाब से, पॉलीमर नोट्स, इसको हम यहाँ पर प्लास्टिक के नोट्स भी बोलते हैं। ओके, तो अगर मैं कनाडा की बात करूंगा, ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, तो वहां पर प्लास्टिक के ये पॉलीमर नोट्स ही यहाँ पर चलते हैं। ओके, वहां पर कागज के नोट्स नहीं चलाए जाते। तो यहाँ पर भारत में भी ऐसी प्रथा को चलाने की यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर अगर तो ये जो पॉलीमर अगर एनिमल फैट से फ्री है, ओके, तो मतलब लो कार्बन फुटप्रिंट यहाँ पर पैदा कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक के नोट बनाने शुरू कर दिए तो उससे फिर ह्यूमन जो हेल्थ है उसके ऊपर यहाँ पर जो है खराबी होनी शुरू हो जाए। तो अगर यहाँ पर लो कार्बन फुटप्रिंट यहाँ पर पेपर करेंसी मुकाबले में यहाँ पर पैदा करता, तो इनको यहाँ पर जो पॉलीमर नोट है इनको एडवांटेज देनी चाहिए, क्योंकि ये इनकी लॉन्गर लाइफ है। ओके, तो यहाँ पर जो पॉलीमर नोट्स ना, तो ये एक तरीके का रास्ता है सरकारों के पास। तो अभी वही बात करें कि इन द मेन टाइम एक्सपेरिमेंटिंग विद अदर मटेरियल शुड कंटिन्यू, मतलब कि इन प्लास्टिक पॉलीमर के अलावा और भी मटेरियल्स के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करो, कागज के अलावा पॉलीमर के अलावा, जो कि सही बैठे, जिसकी लॉन्ग लाइफ हो, फटे ना, गीला ना हो। और आगे यहाँ पर पांचवी बात करें, तो ये पॉलीमर नोट्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ऐसे होते हैं भाई, देखने में दूर से ऐसा ही नजर आएगा कि ये मतलब पेपर करेंसी है, लेकिन हाथ में जब पकड़ोगे ना फिर पता चलेगा जो है ना ये प्लास्टिक का नोट है। तो कई बार बीच में ट्रांसपेरेंट भी होता है, फिर वहां से दूर से पता चल जाता है कि ये ट्रांसपेरेंट है, तो फिर ये प्लास्टिक का ही नोट है। ओके, तो आगे यहाँ पर जो पांचवी बात रख रहे हैं कि करेंसी जो है ना वो अपने देश को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पर जो भी इमेजिनेशन है ना उनके लोगों की, तो उनको जरूर आप जो है ना कैप्चर करो उस करेंसी नोट में। तो यहाँ पर जो हमारी रिच डाइवर्सिटी है उसको जरूर सेलिब्रेट करो करेंसी नोट के माध्यम से। जैसे अभी देखो जो भी पुरातन चीजें हैं हमारे यहाँ पर, जो जो इमारतें वगैरह बनी, तो उनको तो यहाँ पर दर्शाया गया है हमारे करेंसी नोट्स में। तो यहाँ पर बात करें कि और भी जो एमिनेंट पर्सन की जो इमेजेस है, और जो यहाँ पर फ्लोरा और फौना, जो प्लांट्स वगैरह हैं, जो जानवर वगैरह हैं, या फिर जो निर्जीव ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मतलब कि अगर किसी स्तूपा की बात कर ले, ओके, तो मतलब इनको यूजली जो है ना करेंसीज में यूज अभी किया जाता है। तो यहाँ पर उसी को यहाँ पर भारतीय करेंसी में भी बात कर रहे हैं कि हमारे पास तो ज्यादातर जहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी जी की तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी उस डिजाइन में,
तो अभी इसको और बढ़ा सकते हैं इस दायरे को। तो यहाँ पर जो और भी यहाँ पर हमारे हीरो हैं, जैसे यहाँ पर श्रीनिवास रामानुजन की बात करें तो बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं ये। जमशेद जी टाटा की बात करें तो इन्होंने तो टाटा ग्रुप को शुरू किया था। ओके, तो शुरुआत में इन्होंने ही ढूंढा था कि झारखंड जो है और जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ वाला एरिया है वहां पर आयरन ओर मिल रही है। पहले तो बहुत मुश्किल से ढूंढा, फिर सबसे पहला प्लांट लगा यहाँ पर, और वो भी इन्हीं के नाम पे था, जमशेदपुर, जिस शहर का नाम आप सुनते हो। ओके, तो टाटा का सबसे बड़ा प्लांट वहीं पर है। और यहाँ पर जगदीश चंद्र बोस, ओके, तो इसके अलावा बात करें सीवी रमन, तो ये सभी साइंटिस्ट है। ओके, होमी जिंजर भाभा, ओके, इसके बाद आगे रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये राइटर है। ओके, पॉइंट है। अगर मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो वो भी यहाँ पर राइटर है। उस्ताद अलाउद्दीन खान, तो इसके अलावा उदय शंकर, ध्यानचंद, तो मतलब ये सभी पर्सनैलिटीज की फोटोज जो है ना आप रख सकते हो। उसके अलावा ये बात करें कि और भी बहुत बहुत सारी इमेजेस हैं। तो यहाँ पर जितना आप दूर तक जाओगे ना, तो यहाँ पर जैसे अभी बात करेंगे जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ओके, तो ये भारत में ये पक्षी है काफी बड़ा पाया जाता है, इसको भी आप रख सकते हो। ओके, तो अगर यहाँ पर सत्यजीत राय की किसी फिल्म की बात करो, उसका कोई यहाँ पर जैसे जैमिनी रॉय की पेंटिंग की बात कर रहे हैं कि वहां उसको भी लगाना है, कुछ भी लगा लो, पॉसिबिलिटीज यहाँ पर एंडलेस हैं। तो कुछ भी लगाओ, मतलब कि एक्सपेंशन करने के ना, मतलब चेहरे जो लगाने हैं तो बहुत सारे आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं जो हमारे जैसे क्रांतिकारी हो गए, जो हमारे सुखदेव जी, राजगुरु, भगत सिंह, तो जो भी मतलब ऐसे चेहरे थे, तो किसी भी की पिक्चर जो है वो लगाई जा सकती है। यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि अभी जो डिजाइन है ना, तो वो मतलब बिल्कुल कंटेम्प्रेरी सही होना चाहिए। और यहाँ पर जो यूनिवर्सल डिजाइन है, खासतौर पर जो यंगर पॉपुलेशन जिसको यहाँ पर अच्छे से एक्सेप्ट करे, उस हिसाब से उन सिद्धांतों के ऊपर जो है ना आपको बनाना होगा। ओके, मतलब खराब नहीं होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, और भी जो फीचर्स है वो सही होने चाहिए। तो यहाँ पर एक और इनोवेशन की बात कर रहे हैं कि जो वर्टिकल नोड्स है ना, तो यहाँ पर उसको आप डेवलप कर सकते हो, तो वो एक तरीके की पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन देगा। तो जैसे एक पोर्ट्रेट दीवार पे लगा होता है, तो वर्टिकल मैंने में लगा होता है ना, बिल्कुल उस तरीके से वर्टिकल नोड्स, ओके, उसकी सारी छपाई जो है वर्टिकल वे में होगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं स्विस फ्रैंक की और यहाँ पर अर्जेंटीनियन पीसो की। ओके, तो ये अब इनकी करेंसी है, तो यहाँ पर ये वर्टिकल नोट्स ही हैं। ओके, तो कुछ ये यहाँ पर स्विस फ्रैंक है, तो देखो ये वर्टिकल मायने में है। 10 10 यहाँ पर जो 10 फ्रैंक है ना, यहाँ से शुरू होता है, 1000 फ्रैंक तक इनकी करेंसी है, और सभी की सभी करेंसीज ऐसे हैं वर्टिकल वे में। ओके, तो हमारी जो है हॉरिजॉन्टल वे है। तो अपना अपना तरीका है किस तरीके से आपने अपनी करेंसी को रखना है। तो देखिए इमेजेस वगैरह इन्होंने भी लगाई हुई है यहाँ पर, अलग अलग यहाँ पर साइन सिंबल्स हैं। ओके, तो यहाँ पर कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है, जैसे हमारी करेंसी में यहाँ पर व्हाइट बॉर्डर रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई व्हाइट बॉर्डर वगैरह नहीं है। तो आगे वही बात कर रहे हैं कि ये कोई सेंस बनती है, बात अच्छी है। तो यहाँ पर जो है ना, बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो अपनी करेंसी को निकालता अपने वॉलेट में से। तो यहाँ पर जो दूसरी इनोवेशन की बात करें कि जो कलर कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है, उसको सही तरीके से आप यूज करो, जैसे कि स्विस फ्रैंक्स में यूज किया हुआ, जैसे यहाँ पर व्हाइट फ्रेम को ना उसको इस्तेमाल नहीं किया हुआ उसके आसपास। और आखिर में यही बात करें कि जो प्रैक्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जा रही है कि नोट को डिजाइन करना है, और उसके बाद यहाँ पर जो ना आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है वो रिकमेंड करता है, अप्रूवल देता है कि मतलब अभी हम अपने अप्रूवल दे दिया, अभी करेंसी नोट की छपाई होगी। तो यहाँ पर ये बात करें कि इसको खत्म करो, ये जो प्रैक्टिस चलाई जा रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर जो है डिजाइन करती है, ये सब प्रथा खत्म करो। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक की जो है ना यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि करेंसी को रेगुलेट वही करके चल रहा है। तो वही यहाँ पर कंसेप्ट लेकर आए, वही डिजाइन करे यहाँ पर कैसा जो है करेंसी नोट दिखना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिर्फ आप कंसल्ट कर सकते हो, उनकी सलाह ले सकते हो। तो आरबीआई जो है ना, उसकी अच्छी खासी पोजीशन है यहाँ पर कि वो अच्छे से यहाँ पर डेवलप करे जितने भी अच्छे खासे जो करेंसी डिजाइन है उनको, तो यहाँ पर इंटरेक्ट करे और भी जो दुनिया के सेंट्रल बैंक उनके साथ, और भी जो ग्लोबल करेंसी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ, ताकि जो कमियां हैं हमारी करेंसी में उनको दूर किया जा सके। ओके, तो जो राइटर है इस आर्टिकल के, वो फॉर्मर रीजनल डायरेक्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 4 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं रेमडेसिविर द रोग ड्रग, मतलब कि जिसकी अभी काफी डिमांड जो है बढ़ चुकी है, तो ऐसा ड्रग है। तो यहाँ पर इसकी ना अभी होर्डिंग होनी शुरू हो चुकी है, मतलब जमाखोरी होनी शुरू हो चुकी है, जिसके चलते अभी ऑथर बात कर रहे हैं कि अगर आप सेल्स को सही तरीके से और यहाँ पर जो पेशेंट इंफॉर्मेशन है अगर उसको देखकर अगर आप उसको बेचते हो ना, तो यहाँ पर उसको उसकी जो होर्डिंग है उसको रोका जा सकता है, और यहाँ पर उसका मिस यूज उसको भी रोका जा सकता है। तो अभी स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि अभी एक रेयर यहाँ पर ना फार्मास्यूटिकल ड्रग है, जेनरिक नेम उसका मतलब काफी मशहूर हो चुका है। तो यहाँ पर एक कॉमन प्लेस उसकी अभी आम घर जनों में यहाँ पर बन चुकी है, तो अभी बहुत कम समय में। तो यहाँ पर COVID-19 पैंडेमिक के चलते जो ना इसका नाम अभी सबके जुबान पर आ चुका है। तो यहाँ पर ये एंटीवायरल मेडिसिन है, अगर किसी को कोई वायरल वगैरह होता है तो तब ये मेडिसिन दी जाती थी, जिसका नाम है रेमडेसिविर। ओके, तो अभी ये काफी
चर्चा का विषय जो है बन चुका है। इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं तो अभी शुरुआत में इसकी कुछ इश्यूज भी थे कि मतलब ये एफिशिएंट है भी है कि नहीं, यहाँ पर अगर COVID-19 का अगर ट्रीटमेंट करना हो तो अभी उसकी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। पहले यहाँ पर इशू था, अभी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। ब्लैक मार्केटिंग, प्राइस एस्केलेशन, मतलब कि प्राइस में काफी बढ़ोतरी कर करके यहाँ पर इस ड्रग को बेचा जा रहा है। ओके, तो अभी इस ये यहाँ पर इंसिडेंट जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जिसके चलते एक मतलब बुरा नाम जो है ना अपने आप पर जो है रेमडेसिविर मेडिसिन ने कमा लिया है अपने आप में। तो यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ड्रग जो है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यह बन चुका है। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी सेकेंड वेव जब हिट हुई थी उससे जरा सा पहले की बात कर रहे हैं कि अभी 7 कंपनीज थी भारत में अभी जो कि टुगेदर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी 38.8 लाख वेल्स ऑफ रेमडेसिविर ए मंथ, मतलब कि इतने यहाँ पर इसकी मेडिसिन बनती थी। ओके, 1 महीने में। तो यहाँ पर मार्च 2021 की बात करें कि डिमांड में उछाल आया। और इसके अलावा जो कैडिला हेल्थ केयर है ये भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने यहाँ पर प्राइस को रिड्यूस किया। पहले 2800 रुपये यहाँ पर प्रति वायल के हिसाब से यहाँ पर मिलता था, अभी यहाँ पर 900 रुपये के आसपास प्रति वायल इन्होंने प्राइस रखा है। तो यहाँ पर इसको लोएस्ट इन इंडिया कहा जा रहा है जो कि कैडिला हेल्थ केयर ये प्रोवाइड जो प्राइस के ऊपर ये जो मेडिसिन ये प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा यहाँ पर बात करें जब ये सेकेंड वेव आ गई वो तो यहाँ पर डिमांड काफी बड़े पैमाने पर बढ़ गई। ओके, लोगों लोगों को जरूरत थी इसकी, तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर इसके स्टॉक जो था ना वो मतलब कि जो था ड्रग्स के ये निकलने शुरू हो गए। तो ये सिचुएशन बननी शुरू होगी। तो अभी जब सडनली डिमांड जिस किसी भी चीज की बढ़ती है तो उसके रिगार्डिंग पे मतलब दिक्कतें आती है। अब यही बात करने की, अभी मिड अप्रैल की बात करें तो जो हमारी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है तो ये प्राइसिंग के बारे में किसी भी दवाई का क्या प्राइस मैक्सिमम आप रख सकते हो इसके बारे में ये निगरानी करके चलती है ये अथॉरिटी। तो इसने कैप लगाया हुआ था कि 3500 से मतलब ज्यादा प्राइसेस नहीं होना चाहिए अगर आप किसी एक रेमडेसिविर किसी भी मेडिसिन को आप अगर उनकी सेल आप कर रहे हो। तो यहाँ पर ये भी बात की जा रही है, तो ये तो कह दिया, लेकिन यहाँ पर जो ड्रग का प्राइस है ना तो मतलब कहाँ तक उसको यहाँ पर जो कंट्रोल करे, खासतौर पर यहाँ पर जो उसकी ब्लैक मार्केट होती है, तो ये तो 3500 मतलब 5000 6000 तो इससे भी ज्यादा का बिक रहा है। तो इसको कैसे बचाया जाए इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। ओके, तो अभी जब ब्लैक मार्केट हो अभी जब इसी यहाँ पर रेमडेसिविर वैक्सीन की, तो यहाँ पर सोशल मीडिया में यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है रिक्वेस्ट देखने को मिली फैमिली मेंबर्स की, उनके लव्ड वंस की, जिनके यहाँ पर क्रिटिकल कंडीशन में थे कोविड पेशेंट्स, तो वो चाह रहे थे कि ये ड्रग हमें जल्दी से जल्दी मिले। तो यहाँ पर इसकी बात करेंगे, राइट फ्रॉम द इलीगल सेल ऑफ द ड्रग टू इट्स इलीगल मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पर ना बहुत सारे बेशरम यहाँ पर अपॉर्चुनिस्ट थे, मतलब कि जिन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और यहाँ पर जल्दी से ना पैसे बनाने की कोशिश की और यहाँ पर मुनाफाखोरी यहाँ पर की, स्पेशली यहाँ पर इस हेल्थ केयर बिजनेस में। तो यहाँ पर मौका ये था कि मतलब जिंदगियां जो लोगों की मतलब वो दांव पे लगी हुई है, तो कुछ लोग जो है अभी भी जो है अपने मुनाफे के ऊपर फोकस करें, तो सिचुएशन ये बनती जा रही है। और आगे यहाँ पर बात करें कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो रेमडेसिविर जो ये मेडिसिन है मतलब एक तरीके से रामबाण के तौर पर ये काम करती है, तो अभी उस यहाँ पर दायरे से बहुत दूर है ये। अभी अगर बात करें ना अगर यहाँ पर कोविड के ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर यूनिवर्सली इसको यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दी गई इतने बड़े पैमाने पर, तो गिने चुने मुल्क है जो कि इसको फॉलो करके चले। जैसे अभी कुछ यहाँ पर बात करें कि ड्रग रेगुलेटर्स इन US एंड यूरोप, तो उन्होंने यहाँ पर वैलिडेट किया है कि इस मेडिसिन को ड्रग को यूज किया जा सकता है COVID-19 के ट्रीटमेंट के लिए। तो अभी लास्ट नवंबर की बात करें WHO ने भी यहाँ पर रिकमेंड किया है कि जो यहाँ पर रेमडेसिविर है तो यहाँ पर जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स है तो वहां पर उनका यूज किया जा सकता है। यहाँ पर ये नहीं देखा जा सकता कि कितने तीव्रता का यहाँ पर कोविड यहाँ जो है फैला हुआ है, कितने बड़े पैमाने पर फैला हुआ, तो उसके ऊपर देखो जितने देखो अभी जो डबल म्यूटेंट चल रहा है भारत में ना, तो ये ज्यादा खतरनाक है पहले वाले से भी। तो उसके ऊपर ये काम करे ना करे इसका कोई मतलब श्योरिटी नहीं है। तो वही बात करें कि यहाँ पर इट फाउंड नो एविडेंस अबाउट द ड्रग एफिशिएंसी टू ट्रीट डिजीज, कोई एफिशिएंसी पता नहीं चली कि कितने परसेंट ये एफिशिएंट है डिजीज इस यहाँ पर COVID-19 से मुकाबला करने के लिए। तो वहां पर वही बात करें जो यहाँ पर मेडिकल प्रोफेशनल्स है भारत में वो लगातार यहाँ पर समझा रहे हैं हमारे यहाँ पर जो लोग हैं उनको कि मतलब अगर आप लगातार यूज करोगे ना इस यहाँ पर रेमडेसिविर यहाँ पर इस मेडिसिन का तो उसका क्या खतरा हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि अगर ड्रग की यहाँ पर एफिशिएंसी के हिसाब से हम बात करें ना तो यहाँ पर ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ कोविड पेशेंट्स द ड्रग कंटिन्यूज टू बी पॉपुलर इन ट्रीटिंग द डिजीज। तो अगर एफिशिएंसी भी है थोड़ा बहुत अगर ठीक हुआ तो बहुत यहाँ पर कम यहाँ पर परसेंटेज है कोविड पेशेंट्स की। ओके, तो यहाँ पर अभी भी ना मतलब पॉपुलैरिटी ज्यादातर इसकी हो रही है कि इसको इसके चलते इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में सिनेरियो वैसा उतना बड़े पैमाने पर है नहीं है। तो इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं जो स्टॉक ऑफ स्टॉक्स, तो इंसिडेंटली जो फार्मा कंपनीज है तो यहाँ पर वो भी ना चुपचाप बैठी हुई है। तो यहाँ पर
जो है अपने यहाँ पर काम के ऊपर वो बिजी है कि हमारे तो चलो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हमारा सामान तो बिक रहा है, वो बाकी जो बाहर में जो जाकर यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही, तो उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। ओके, मतलब कि सिर्फ इनका फोकस हो रहा है कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग करे जाओ, यहाँ पर बाहर जो है उसको प्रसारित की जाओ। यहाँ पर वही बात करें कि यहाँ पर प्रसार करने के अलावा, जैसे यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर्स की बात करें, वेब लिंक्स की बात करें, जिसके चलते यहाँ पर ये दर्शाया होता है कि मतलब आप चेक कर सकते हो कि अवेलेबिलिटी है मेडिसिन की, उसका स्टॉक है या नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं ऑथर की ये सिर्फ दिखाने के हैं, मतलब कि इससे यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर फायदा नहीं मिला। जब ये पीक आया था सेकंड वेव का, अभी भी चल रहा है, जिसके चलते कि अगर हम कहें कि हेल्पलाइन नंबर पे हमने कॉल कर दी, यहाँ पर वेब लिंक के ऊपर लिंक करके चेक कर लिया कि कोई स्टॉक वगैरह रिक्वेस्ट कर दी कि हमें यहाँ पर ये मेडिसिन दे दीजिए, तो इसका कोई फायदा नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पर कंपनीज ने बहुत यहाँ पर कम काम किया इस क्राइसिस में, जो उनकी ड्यूटी बनती थी वो ड्यूटी वो नहीं निभा पाए। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उस प्रॉब्लम का ये हिस्सा बन गए हैं, और यहाँ पर जो उनका रोल होना चाहिए पेशेंट्स को सही करने का, यहाँ पर जो जो डॉक्टर की जो एजुकेशन किस तरीके से, मतलब जो ये पेशेंट डॉक्टर की जो यहाँ पर केमिस्ट्री, उसको कैसे प्रमोट करें, कैसे अच्छी दवाई आगे प्रोवाइड करें, तो उसमें ये कमजोर पड़ गए अपने रोल यहाँ पर दिखाने के लिए। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जैसे भारत की बात करें, तो यहाँ पर पब्लिक गवर्नेंस की बात करें, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उठता है उसके खिलाफ। यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो यहाँ पर उसको अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पर ना एक तरीके का टॉर्च बेरर है, मतलब कि अच्छी खासी प्रैक्टिसेस प्राइवेट सेक्टर करता है। ओके, तो अभी अभी जो समय है ना, तो अभी गवर्नमेंट जो है ना, अभी ऐसे इस तरीके से लग रहा है कि अनअवेयर है कि अभी क्या सिचुएशन है, तो अनप्रिपेयर्ड है कि सेकंड वेव को कैसे काबू पाए। तो अभी इंडस्ट्री का भी वही हाल है, तो इंडस्ट्री भी बिल्कुल वैसे ही चल रही है भारत की, मतलब जिस तरीके से लगता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस करती है, उस हिसाब से यहाँ पर देखने को नहीं मिला है कि वो किसी तरीके से यहाँ पर हेल्प कर सके। और आगे यहाँ पर बात करके इंडस्ट्रीज ने क्या अच्छा किया है, तो यहाँ पर बात करें, अगर हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी जो है ना, उसको सबसे टॉप पे रखना है लिस्ट पे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड और कोऑर्डिनेटेड कम्युनिकेशन होना चाहिए, यहाँ पर जितनी भी वायल्स बनी है, जितने भी यहाँ पर ड्रग्स बन चुके हैं, जो है मैन्युफैक्चर कर दिए जा चुके हैं या डिस्ट्रीब्यूटर जो है अभी करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर उसका जो स्टॉक लेवल है सप्लाई चेन में क्या है, इसका बकायदा पूरा डाटा होना चाहिए रियल टाइम बेसिस पे। ओके, जिसके किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको डाल दो, या किसी वेबसाइट पे डाल दो, यहाँ पर कोई पोर्टल बना दो, जहां पर रियल टाइम बेसिस पे पता हो कि अगर देखो ये स्टॉक में इतनी है, मैन्युफैक्चरिंग अभी इतने की चल रही है, या फिर इतने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, तो आपको अवेलेबल कितने हैं, तो इसका पता चल जाए रियल टाइम बेसिस। रियल टाइम बेसिस मतलब कि मौजूदा समय के हिसाब से, जब जरूरत है बंदे को, जरूरत मुझे अभी है तो मैं अभी चेक कर रहा हूँ कि अभी अवेलेबल है तो मैं ले आऊँ या मंगवा लूँ। ओके, तो ये यहाँ पर जो ना ट्रांसपेरेंसी आपको शो करनी होगी, ये चीज यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर इससे यहाँ पर होगा कि अच्छे से जो ना सर्विस एरियाज में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, जहां जहां से भी कोई लोग असेस कर सकते हैं दवाई को, तो वो कर ले लेंगे वहां से जाके। तो यहाँ पर जो समय की बचत यहाँ पर हो सकती है, और मतलब स्ट्रीक जो यहाँ पर चीज उनको चाहिए समय रहते मिल जाएगी। तो यहाँ पर अलर्ट मैकेनिज्म की भी बात कर रहे हैं कि उनको भी आप जो है ना प्लेस करो इस इन्हीं पोर्टल्स में, कि अगर कोई वैक्सीन अवेलेबल होती है, मेडिसिन अवेलेबल होती है, तो आप अलर्ट कर दें, क्योंकि मतलब आप ले सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर जो शॉर्टेज रॉ मटेरियल्स की, तो उसके चलते यहाँ पर जो ना जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, तो उनको भी आप जो ना कह सकते हो कि जो है मतलब हमें शॉर्टेज हो रही है, तो उसका पर्याप्त सुविधा आप जो हमें प्रोवाइड करें। उसके रिगार्डिंग भी बात कर रहे हैं कि जो है मतलब कि उनको भी पता होना चाहिए, उनको भी अलर्ट होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, कि आप जो है सपोर्ट बैकअप करते रहे। इसके अलावा बात करें कि पेशेंट्स को एम्पावर करना है, यहाँ पर अवेयरनेस फैलाओ कि अबाउट एफिशिएंसी एंड सेफ्टी इश्यूज। ओके, तो यहाँ पर हम रेमडेसिविर अगर यहाँ पर ड्रग लेते हैं, तो कितना एफिशिएंट है, कितना सेफ है, तो ये भी इसके बारे में भी पता होना चाहिए, जिसके चलते पता चले लोगों को, पेशेंट्स को, उनकी फैमिलीज को, ओके क्या चीज हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो उसकी जो सेल्स है, ओके यहाँ पर जो पेशेंट इंफॉर्मेशन है एट द पॉइंट ऑफ सेल, तो यहाँ पर ये भी एक अदर मेजर जिसको कि अपनाया जा सकता है, कि मतलब जिसके चलते जो ये जमाखोरी है उसको रोका जा सकता है, जो ब्लैक मार्केटिंग है उसको रोका जा सकता है। जब ये ड्रग लेने जा रहे हो, तो अगर पेशेंट की इंफॉर्मेशन बताई जाती है कि किस पर्पज के लिए चाहिए, तो उस पर्पज के लिए यहाँ पर ना अगर जिस पर अगर पर्पस सबसे मतलब अगर क्रिटिकल सिचुएशन लग रही, तो यहाँ पर तब तो यहाँ पर दिया जाए। ओके, तो अगर मतलब पर्पस पता है कि मतलब बिना ये ऐसे खरीदा जा रहा है जिससे किसी ने खरीद कर आगे बेचना है, ओके, तो मतलब इसको थोड़ा सा अभी साइड पर रखना होगा, पहले प्रायोरिटी हमें पेशेंट्स को देनी होगी। ओके, तो ये यहाँ पर सिनेरियो बना हुआ है, यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात की जा रही है। ओके, पेशेंट्स को कैसे टैकल करके चल रहा है, तो फार्मा कंपनी जो है ना अभी उन्होंने अपनी सप्लाई चेन को डिजिटाइज नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर जो है पेशेंट्स को ही यहाँ पर जो है कॉस्ट मतलब अदा करनी पड़ रही है, अगर वो सीधे यहाँ पर इंडस्ट्री से खरीद रहे, या पर किसी यहाँ पर जो यहाँ पर कोई भी बिचौलिया अगर उससे खरीद रहे, तो वो तो काफी यहाँ पर पैसा ले रहा है। तो अभी
एक रूम बनाने की बात करें, सप्लाई चेन, यहाँ पर जितने भी माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जितने भी दुर्भावना से काम हो रहे हैं यहाँ पर, तो उनको अभी अभी बेरोक टोक वो चल रहे हैं, तो अभी उनको रोकना है किसी ना किसी तरीके से। तो डिजिटल सप्लाई चेन, यहाँ पर जो सप्लाई चेन है, तो यहाँ पर अगर इस तरीके से फॉलो अप करके चलते हैं, तो ऐसे जितने भी रुकावटें हैं उनको मिनिमाइज किया जा सकता है। अगर लिमिटेड कर भी नहीं ना भी कर पाए, तो यहाँ पर जो मुनाफाखोरी है, तो यहाँ पर इसके अलावा और भी जो ड्रग्स के साथ ऐसे जमाखोरी जैसे इंसिडेंट्स होते हैं, उसको तो कम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पर दिया गया है कि मतलब जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ना, वो अपना रोल अदा करें और देखें पेशेंट इंफॉर्मेशन के हिसाब से जिसको पहले जरूरत वहां पर प्रोवाइड करने की कोशिश करें, ना कि ऐसे ही उनको फॉरवर्ड कर दें, मतलब ऐसे इस तरीके से, मतलब जिसके तरीके से जमाखोरी के इंसिडेंट जो है वो बढ़ने शुरू हो जाए। तो अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 5 की। तो यहाँ पर बात करें ये ब्रिज ओवर ट्रबल वाटर्स, तो एक पुल बन गया, तो यहाँ पर पुल किसको कहा गया है, यहाँ पर ग्लोबल टास्क फोर्स बनाई गई, उसको यहाँ पर ये बात कही गई है। तो अभी स्टार्टिंग में बात करें कि पिछले साल की बात है, जब कोरोना वायरस ने अच्छा खासा तबाही मचाई थी यूएस में, तो उस समय यहाँ पर ये बात कही जा रही यूएस की तरफ से कि उस समय जो हमारे फ्रेंड्स थे इंडिया में, तो यहाँ पर उन्होंने हमें सहायता दी, यहाँ पर जो क्रिटिकल जो भी मेडिसिन थी उनकी सप्लाई भेजी, जैसे जिस मेडिसिन की हमने अभी बात की ना, रेमडेसिविर, इसी की सप्लाई भारत ने अमेरिका को भेजी थी। अमेरिका में उस समय डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी और उन्होंने धमकी दी थी भारत को कि अगर नहीं भेजेंगे तो यहाँ पर सैंक्शन लग सकते हैं भारत के ऊपर। तो भारत ने चलो अपनी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर दिया था, क्योंकि उस समय अमेरिका में सिचुएशन बहुत खराब थी। ओके, तो यहाँ पर बहुत तरह के जो पीपी जो किट्स थे, पर्सनल प्रोटेक्शन जो इक्विपमेंट किट होते हैं, वो एयरलिफ्ट किए। ओके, यहाँ पर जो हमारे फ्रंटलाइन जो वर्कर्स थे, इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत तरीके से यहाँ पर पार्टनरशिप निभाई यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट के साथ। अगर वैक्सीन रिसर्च की भी बात करें, तो यहाँ पर भी अच्छा खासा रोल अदा किया। तो यहाँ पर अभी इंडिया का समय आ गया। ओके, तो यहाँ पर उनकी जरूरत के हिसाब से जो उनको चाहिए, तो वो यहाँ पर पहुंच चुका है। जैसे यूएस अभी बात कर रहे, जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की बड़े पैमाने पर जरूरत थी, तो वो अभी अमेरिका ने भेजे हैं। वैक्सीन रॉ मटेरियल की जरूरत थी, वो अमेरिका ने भेजना शुरू कर दिया। पहले पाबंदी लगाई हुई थी इसके ऊपर काफी समय तक, अभी हाल ही में 2 हफ्ते पहले ये पाबंदी जो है खोली गई है। तो यूएस कह रहा है कि मैं भी कमिटेड हूं कि मैं अपने हिसाब से जो मेरा हिस्सा बनता है ना मदद करने का, इंडिया मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्टनर, तो मैं भी कर रहा हूँ। तो अभी इंडिया के हिसाब से बात यहाँ पर बात करें कि अभी 4 लाख से ज्यादा डेली केसेस निकल कर आ रहे हैं कोविड-19 के। तो यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट और यहाँ पर जो बिजनेस है, यूएस के यहाँ पर जो कंपनीज हैं, तो ये दोनों इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। तो अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, तो उनको इकट्ठा करके यहाँ पर जितने बड़े पैमाने पर रिस्पॉन्स दे सके भारत की मदद के लिए, वो दे रहे हैं। तो यहाँ पर अभी इसी वीक की बात कर रहे हैं कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने विद द सपोर्ट फ्रॉम बिजनेस राउंड टेबल, तो यहाँ पर बिजनेस हाउसेस की मदद से यहाँ पर एक टास्क फोर्स बनाई जिसका नाम है ग्लोबल टास्क फोर्स, ओके, ऑन पैंडेमिक रिस्पॉन्स। ओके, तो यहाँ पर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यहाँ इसको चलाया जाएगा। तो यहाँ पर रिसोर्सेज को डिलीवर करेगी जहां पर भी सबसे ज्यादा जरूरत होगी पूरी दुनिया में। तो ये बात ध्यान में रखें, ये यूएस की नई यहाँ पर अप्रोच लगाई जा रही है। द रिस्पॉन्स हैज बीन ओवरवेलमिंग विद डजन्स ऑफ यूएस कंपनीज प्लेजिंग सपोर्ट, मतलब कि अच्छे तरीके से यूएस कंपनीज यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, जिसके चलते मतलब अच्छा खासा रिस्पॉन्स बढ़िया तरीके से आगे परस्यू हो रहा है। अगर जीटीएफ की बात करें, ग्लोबल टास्क फोर्स की बात करें, तो यहाँ पर ये रेगुलर कॉन्टेक्ट में है विद यूएस एंड इंडियन ऑफिशियल्स टू अंडरस्टैंड वेयर द नीड आर ग्रेटेस्ट, कहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है, तो उसी हिसाब से वो सामान यहाँ पर भेजा जाएगा। तो यहाँ पर बात करें जो लीडरशिप है फ्रॉम द चैम्बर एंड इट्स यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, तो जीटीएफ ने यहाँ पर लॉन्च किया एन ऑल आउट एफर्ट टू सोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट 1000 वेंटिलेटर्स थ्रू द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स फाउंडेशन, तो इसका भी नाम याद रखें। तो अभी 1000 वेंटिलेटर्स दिए जाएंगे। इसके अलावा 15 यूएस कंपनीज हैं जिन्होंने यहाँ पर 30 मिलियन US डॉलर से ज्यादा यहाँ पर ज्यादा का फंड जो है अभी डोनेट किया है टू फंड वेंटिलेटर प्रोडक्शन। और उसके अलावा यहाँ पर मेडट्रॉनिक, ये भी एक कंपनी है, जिन्होंने यहाँ पर प्लेज किया है कि मतलब कि यहाँ पर ये टॉप ऑफ द लाइन जाकर ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इन्हीं की। ओके, ये जो वेंटिलेटर्स की यहाँ पर बात करें, इसके अलावा यहाँ पर पुरीतन ब्रांडेड की यहाँ पर बात करें कि 980 वेंटिलेटर्स यहाँ पर जो है इनके द्वारा यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। मैनेजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स एंड मोबिलाइजिंग टीम्स टू प्रोवाइड इंस्टॉलेशन, ये सब चीजें भेज रहेगी। इंस्टॉल कैसे करना है, टीम्स को आगे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, लॉजिस्टिक्स के साधन क्या है, कैसे सामान को पहुंचाना है, टेक्निकल सपोर्ट क्या है, जो सब चीजें के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं कि मतलब जो क्लिनिशियंस होंगे जो यहाँ पर वेंटिलेटर्स को चलाने वाले हैं, तो उनकी ट्रेनिंग के बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर जो फर्स्ट वेंटिलेटर जो अराइव इंडिया में पहुंचे हैं, तो अभी इसी हफ्ते पहुंचे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर 1000 के आसपास जो है अभी डिलीवर किए जाएंगे विद इन द नेक्स्ट मंथ। ओके, तो अभी इंडिया को अभी इस समय जरूरत है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की बहुत बड़े पैमाने पर। ओके, तो अभी जितने बड़े पैमाने पर आएगा उतना यहाँ पर फायदा रहेगा, पेशेंट्स की जान बच जाएगी जिनको दिक्कत आ रही है सांस लेने में। तो जीटीएफ अभी जो ना ग्लोबल टास्क फोर्स जो है ये प्रोवाइड करेगा 25,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बाय द एंड में।
ओके विद मोर देन 1000 ऑलरेडी डिलीवर, तो यहाँ पर 1000 के आसपास ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, तो 25,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो बड़े बड़े जो कंटेनर्स होते हैं ना वो आएंगे यहाँ पर। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो टास्क फोर्स है तो अभी प्रायोरिटाइज कर रही है पैंडेमिक रिस्पॉन्स, यहाँ पर जो एफर्ट्स इंडिया में चलाए जा रहे हैं, उसके अलावा तो यहाँ पर यह भी बात कही जा रही है कि और भी कंट्रीज है जहाँ पर ये सपोर्ट देंगे, जैसे मेक्सिको, ब्राजील हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, तो वहां पर भी नई वेव्स के चलते काफी भयानक नजारा पैंडेमिक का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एज द वर्ल्ड हब फॉर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, ये दुनिया का हब है भारत, ओके, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता कंपनी है, तो इंडिया विल बी ए की पार्टनर इन मैनेजिंग द पैंडेमिक अराउंड द ग्लोब, जस्ट विद इन नॉट जस्ट विद इन इट्स ऑन बॉर्डर्स, मतलब अपने बॉर्डर्स तक ही ये सीमित नहीं रहेगा भारत, तो इसको मतलब आगे भारत ने एक्सपोर्ट काफी किया है अपने फ्रेंडली नेशंस को, तो आगे और यहाँ पर बड़े पैमाने पर आगे आना होगा, तभी जो है पैंडेमिक को खत्म कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। और लास्ट में यहाँ पर बात करें, एज वी माउंट आवर रिस्पॉन्स वी एंटिसिपेट द जीटीएफ एफर्ट टू एड इंडिया विल सर्व एज ए प्ले बुक फॉर रिस्पॉन्डिंग टू अदर एमर्जिंग हॉटस्पॉट गोइंग फॉरवर्ड, तो ये यूएस बात कर रहा है कि हमारा जो जीटीएफ है अच्छे तरीके से अपना रिस्पॉन्स दे रहा है, तो यहाँ पर इंडिया को सहायता यहाँ पर प्रदान कर रहा है और यहाँ पर आगे भी रिस्पॉन्ड करेगा, अभी भी कर रहा है जितने भी यहाँ पर एमर्जिंग हॉटस्पॉट जहां पर भी जरूरत पड़ेगी वहां पर। तो राइटर जो है वो प्रेजिडेंट है और सीईओ है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। तो अभी बारी है आज का इकोनॉमिक कंसेप्ट पढ़ने की। आज का जो टॉपिक है वो है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, DIIs, ओके। तो अभी ये एक तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं इंडियन ओरिजिन के और यहाँ पर इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट होती है, तो यहाँ पर अलग अलग डेरिवेटिव्स के हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दी जाती है, जैसे शेयर के हिसाब से कर लिया, शेयर खरीद लिया, सिक्योरिटीज खरीद लिया, ओके, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो ओके उसको खरीद लिया, इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात कर ले, मतलब किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर इसी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करेगा इन्वेस्टर, ओके, तो किसी भी फॉर्म में वो कर सकता है। तो यहाँ पर ये पब्लिक ऑन भी हो सकता है, प्राइवेटली ऑन भी यहाँ पर ये DII हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे कौन कौन से यहाँ पर इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात करें तो भारत में म्यूचुअल फंड का जो अदारा है यहाँ पर 35 लाख करोड़ का है, मतलब म्यूचुअल फंड में इतना राशि पड़ी हुई है जिसको कि फर्दर भारत सरकार भी यूज करती है, बैंक भी यूज करते हैं अपना कैपिटल जुटाने के लिए, तो यहाँ पर भी इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, पेंशन फंड हो गए, इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज होगी और भी यहाँ पर जो मेजर वन जितने भी यहाँ पर अदारे हैं, तो वहां पर अगर इन्वेस्टमेंट की जाती तो हम उनको कहते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। तो आपको लेक्चर कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दें, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर आप जरूर दिया करें, कोई भी आंसर नहीं दे रहा है पिछले काफी दिनों से, तो इस लेक्चर को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।